धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। क्या ये मेरी आखिरी फाइट है? मुझे यकीन तो नहीं हो रहा। हर अंत की शुरुआत तो होती है, पर सच कहूं तो मुझे याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, एक और कोशिश करते हैं। बस काफी है, चलो अब सारे दोस्त फ्रेम में खड़े हो जाओ। ओके अच्छा अच्छा ओके रेडी। ये सब मेरे दोस्त हैं, कोई मामूली यार नहीं है, फाइट करके कमाए हैं। क्या आपने टीवी या न्यूज़पेपर नहीं देखा? धरती जल रही है, वो दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। इस हालात को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती है उस ग्रह के लोग क्या सोच रहे हैं। टोपी देना, हमें इसे ग्लोबल फ्रीकिंग आउट कहना होगा। समझौता नहीं की बात आती है तो कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं होता। जानते हो उसके बाद क्या होता है? एक जंग शुरू हो जाती है और लोग आपस में एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। आने वाला समय कुछ ऐसा ही होने वाला है। बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाना होगा, ऐसा ही हमारे समान में लिखा हुआ है। अच्छाई और बुराई समान नहीं हो सकती। जिससे तुम दुश्मनी रखते थे उसे तुम दुश्मन ही दिखोगे। तुम ये मानो कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है, और ये तभी संभव होगा जब तुम नेकी दिखाओगे, और ये एक नेक इंसान के अलावा नहीं हो सकता। तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अमन और चैन से रहकर अपनी जिंदगी बिताएं। इसी में अमन और शांति है। क्या हुआ? अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करेगा। पसंद आ गया क्या? और जीने दो,
हाँ पसंद आ गया। यही नारा है। नमाज के बाद तुम्हें हंडी बिरयानी खिलाऊंगा। अच्छा अमल करना होगा। अब खाना खिला रहा है तो एक काम करना, अपनी बहन की शादी मुझसे करा दे। असली चैंपियन कौन है मुझे जवाब दो। असली चैंपियन वो होता है जो सामने वाले को कुचलना नहीं बल्कि अपने गुस्से पर काबू रखता है, वो होता है चैंपियन। जिस दिन से दुनिया बनी तब से लड़ते सवाए, इसमें ताकत कितनी है वो दम दिखाने आए। एक से बढ़के एक योद्धा हार कोई न माने, कोई भी न जाने ये अंजाम क्या होगा आगे। शोला 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 शोला। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा और तुम मुझे मारना चाहते हो। शोला 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 मौका जब मिला बारों से किया जीत सी को मेरे जो बाजी झांकी लगाए। आखिरी तब तक जो लड़े भी जीता वो लाए। छिड़ी है जंग लड़कों में आज तो शोरों से। ये तो है जाबाज खिलाड़ी खतरों से ये खेल। जान बताए यारों पे ये दुश्मन की जान ले। दिल में इसके खौफ न कोई जान हथेली पे रखे। मौत से भी ये डरता न सौ पे भारी लेते। शोला 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 शोला। ये मस्जिद है तुम भूल गए? ये मुझे घूर रहा था। घूर रहा था उसके बाद? उसके बाद क्या? आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? आप इसे बोलिए ना कुछ। ये मेरी बहन से शादी करना चाहता है। हाँ, हाँ, तो क्या हुआ? मुझे इसकी बहन नहीं चाहिए। लेकिन मेरी बहन नहीं है। बहुत बढ़िया। इसकी इस हालत में तो तुम मस्जिद नहीं आ सकते। अस्पताल जाओ। गाड़ी है? मेरे पास बाइक है। और तुम्हारे पास? मेरे पास नहीं है। तो तुम इसी के साथ जाओ और बाकी सब अंदर चलो। चलो रुको, मैं अपनी टोपी लेकर आता हूँ। पीछे खींच। कहाँ जाना है? मुझे घर छोड़ दो, मैं रास्ता बताता हूँ। ठीक है चलते हैं। तुम्हारे साथ कौन आया है? बस थोड़ा झगड़ा हो गया था। सुनो लड़के। वो एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी। अच्छा तो मस्जिद में झगड़ा हुआ था क्या? अम्मी खाने के लिए क्या है? घी चावल और चिकन करी है। दाल फ्राई नहीं है क्या? हाँ दाल फ्राई भी। तो फिर आकर खाना दो ना। अपने दोस्त को नहीं बुलाओगे क्या? अंदर आओ बेटा, खाना खाकर जाओ। जी नहीं शुक्रिया, मुझे किसी काम से जाना है। अंदर चलो खाना खा लो, झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसे पहनो। मैं कभी कभी अपने अबू के साथ मछली पकड़ने जाता हूं। ये देखो, तुम तो इस एक्शन की मास्टर हो। ये काफी अच्छा था। इसका नाम क्या है? वजीम। मेरा मतलब है उस कोहनी के एक्शन का। मेरा नाम जमशी है। अच्छा आज शाम को एक मैच होने वाला है, चलोगे क्या? मैं चल रहा हूँ। सतार द्वारा क्या? नहीं भाई, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है।
यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। पिछली बार किया तो हो गया था यार। तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लाओ मैं दिखाता हूं। ये देखो वजीम, वहां पे जबरदस्त झगड़ा हो रहा है यार। गैंग फाइट है? गैंग फाइट नहीं है यार, बस दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। किसी और रास्ते से चलते हैं। हम क्यों वहां से जाएंगे? जो रास्ते में आए हुए रोडों को हटाता है ना, अल्लाह उसकी मदद करता है। ये क्या करने जा रहा है? ऐसा बोलते हैं। हाँ विकास, क्या कर रहा है तू? ये पीछे हट, कहाना पीछे हट। दम है किसमें इतना, तेरा रास्ता रोके जो कोई ना ऐसा यहाँ तेरे आगे टिक पाए जो। यहाँ जो दुश्मन है तेरे आज ना मर पाए तो सबक सिखा दे तू ऐसा। यहाँ हमेशा करेंगे वो मान भगा दे तू इनको। दम दिखा अपना इनको। अरे क्या तुम वीडियो बना रहे ना? अरे जाने दो, भगाओ। जल्दी 5 बिरयानी ला। आया खुशी का मौका झूम ले, मस्ती भरे है सुहाना ये पल। यार मेरा सज के देखो आया, यारो गाओ सब मिलके। आया है राजा दुल्हा, यार मेरा आज बना दुल्हा। आओ मनाओ यारों खुशियाँ आज। ये सारे दोस्त थोड़े अजीब टाइप के जरूर हैं। अजीब का मतलब अब आपको वक्त आने पर पता चल जाएगा। हे, कोई शक नहीं है भाई, ऐसे ही ठीक हो, अच्छे लगते हो, रहने दो। अरे बस बस, अभी टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम है अभी। हाँ ए, जब मैं कपड़े लेने गया था कुछ लड़कों ने मुझे मारा था। तुझे मारा किस लिए? मैं शर्ट लेने गया था, देखा वो एक लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे, बचाने गया तो मुझे लात मार दी। अच्छा ये बता, तू हमेशा भीख क्यों मांगता रहता है? अरे मैंने भीख कहाँ मांगी, वो लड़की अकेली थी तो मैं उसे बचाने नहीं जाता क्या? राजवीर फिर तो हमें इस मामले को देखना चाहिए। हमारा शहर है, उनकी हिम्मत कैसे हुई? हम अभी चलेंगे, उन्हें सबक सिखाना होगा। वो अभी इस समय शॉपिंग मॉल में ही होंगे। राजवीर हम चेक करके आते हैं। उनकी इतनी हिम्मत कि बाहर से आकर ये सब कर रहे हैं हमारे शहर में। अच्छा चलो। आया आज राजा दुल्हा, यार मेरा बना दुल्हा। यारो मनाओ खुशियाँ मिलके, आओ मनाओ यारो खुशियाँ आज तो सब मिलके। देखो आया खुशी का मौका। देखो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ऑडिटोरियम लेके आना। मैं तो खुश नहीं हूँ। पर क्यों? मेन्यू में सिरिप आया नहीं है। तो क्या हुआ? मुझे तो बहुत खराब लग रहा है, सिरिप आया सही तो असली मजा आता है। चिकन के मुकाबले तो नहीं। अच्छा बताओ असली मीट कौन सा होता है? सिर्फ पाया, बाकी सारे मीट तो बेकार है, चाहे वो चिकन का हो, खरगोश का हो या भैंसे का हो। इन सबको तो नाम से बुलाना पड़ता है, लेकिन मीट बस एक ही होता है और वो मीट होता है सिरिप आया। तेरी कुछ समझ में आया ना? तेरी खोपड़ी में ऐसी बातें आती कहाँ से? चलो इस पर आराम से बात करते हैं। असली मीट क्या होता है? सारे मांस मीट नहीं कहलाते हैं, बड़े का हो, बैल का हो या भैंसे का हो, किसी का भी हो। लेकिन असली मांस बकरे के अलावा और किसी का भी नहीं होता है, समझ में आया ना? तेरी बकरे का मांस ही असली मांस होता है, उसके आगे सब फेल होते हैं। आई शादी के पलिए, बड़े सुहाने हैं पलिए,
जा, क्या करना चाहिए? आखिर तक रुकें क्या? अरे अब करना तो पड़ेगा ही ना। मेरे हिसाब से सिर्फ तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना। डरपोक, तू डर किससे रहा है? आज उसका निकाह है, वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। शादी के पलिए बड़े सुहाने हैं पलिए, आए शादी के पलिए बड़े सुहाने हैं पलिए। वजीम, अब इस इंसान ने तो बिना पूछे ही लाइफ में एंट्री ले ली। ऊपर वाला ही जानता है क्यों। Bloody loser. Playing Putin Kanoda Pata Putish Girauda Nai. Mazza, I'll take me Kaka Shrimp. Mana Bala Susi. तय हो गया, चीफ गेस्ट मानावालम वजीम। अरे भाई अभी वो किधर है किसको मालूम होएगा? हाँ? बोले तो साला इंटरनेट से भी गायब हो गया है। उसको ट्रैक करेंगे। हाँ। और यहां लेकर आएंगे। हाँ, ओके ओके। अरे रिहान, रिहान क्या मेरा फोन बज रहा है? तुम रुको, मैं देखती हूँ और लेकर आती हूँ। जल्दी से कॉल पिक करो, शायद उसी की कॉल है। लाओ लाओ, वजीम का फोन था, वो वापस करेगा। ओफो। ओ रिहान, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा मोबाइल इधर उधर मत रखा करो। अरे मेरी टाइम लैप्स वीडियो। ये लो, वो वापस फोन करेगा। अम्मी किसका फोन? अच्छा। आया था बताओगी? अरे ध्यान से, तुम्हारे चाचा का फोन था, कट गया। तो क्या हुआ, फिर से कर लेंगे? वैसे भी ये कॉल ही तो था, अब जाने भी दो। मेरी जरूरत का क्या, क्या मुझे उसके हाल चाल जानने की कोई जरूरत नहीं है? अरे अब वो बच्चा नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकता है। सुन, एक छोटी उस तरफ भी बांध ले। ठीक है। ले। ये क्या? चीनी की गोलियां, इसे पसंद है। अरे इसको तो कली। इतनी जोर से मत बोल, उसको बुरा लग सकता है यार। चल मैं चलता हूँ। क्या तू जा रहा है? हाँ? जमशी, जब मैं कॉल काट रहा हूँ तो तू मुझे बार बार फोन क्यों कर रहा है? तू क्या काटेगा, मैं काटता हूँ। हेलो राजेश, मेरे साथ कस्टमर, मैं बाद में आता हूँ। ओके अच्छा, और बताओ विकास। सथार, क्या तुमने देखा? नहीं, दिखाओ ना। तो फिर देखो। सत्तार, उसके दिमाग में क्या चल रहा है?
मुझे कुछ नहीं पता, पूछना पड़ेगा। जमशी, तुम्हारे दिमाग में क्या है? मेरे दिमाग में? किसी के बारे में क्यों सोचे जो हमारे बारे में नहीं सोचता? वो नीचे है और बाहर है, क्या हम उसे आगे नहीं बढ़ने दे सकते? वैसे भी ये उसका कमबैक है, चलो एक बार देखते हैं। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि उपभोक्ता संस्कृति के नए नुकसानों में भाई, सोशल भाई, मीडिया प्रचुर क्या हमारे साथ फोटो लोगे? पूंजीवाद। हे चलो फोटो लेते हैं। भाई मेरा मतलब था कि उनको भी फोटो में आना है। ठीक है लेते हैं। लोकतंत्र के चश्मे के नाम पर yeah! yes! अच्छा मुझे भी दिखा। थैंक यू भी नहीं बोला, दिखाया भी नहीं। और फैशन नौ उदारवादी आर्थिक व्यवस्था और वैश्विक पूंजीवाद को मजबूत कर रहे हैं। स्वतंत्रता के लेबल के तहत यहाँ पर आयात किया जा रहा है। चिल वजिम, चिल। वापसी के अलावा और कोई चारा भी नहीं है तो पीछे हटने का कोई मतलब नहीं बनता। चलो देखते हैं। वो तो हम लोगों को देख भी नहीं रहा। देखा क्या? शायद उसने हमें देखा या फिर नहीं। Opportunities in your struggle. You have to find the light. You have to find a way to make it better when you're in the worst situation you've ever been in. You... Thank you. इस ब्रेनवॉश पीढ़ी को अब सुधारने का समय आ चुका है और हमें करना होगा। वसीम भाई, पहचान लिया मुझे? मैं अल्ताफ हूँ, आपके मालिक का भतीजा। मस्त लग रहा है ना? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या प्लीज उस उपकरण को अपने कानों से हटा सकते हैं? क्या अब आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ। ठीक, जानकारी के लिए मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने इस समाज में ऐसा क्या योगदान दिया है जिसके लिए आप यहाँ आकर बैठे हैं? आप उसका यहाँ किस नाम से स्वागत करते हैं? और इतनी गंभीरता से तो आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए। इसी बात को मैं कितने लंबे समय से कहता आ रहा हूं। कितना दुख होता है कि ऐसे शूद्र लोग जो बड़ी अश्लीलता से अपनी प्रसिद्धि का जश्न मना रहे हैं। महान लेखकों और समाज सेवी और कलाकारों के साथ ये मंच साझा कर रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इसके कई कारण। हेलो, हाय, क्या आपकी भी यही राय है? नहीं। क्या मैं यहाँ आया तो आप लोग परेशान हैं या फिर खुश हैं? बहुत खुश हैं। अच्छा मुझे आपकी राय बताइए, आपके हिसाब से मैं कैसा दिखता हूँ? वसीम भाई हैंडसम है। देखा ना, सुन लिया। ऐसे कितने लोग हैं जो, वैसे आपका नाम क्या है? जेपी कुमार। इनका हाँ, जेपी कुमार। इस आदमी की, मेरा मतलब कि इस महान आदमी की कितने लोगों ने कहानी या कविता कुछ भी पढ़ा है? हम कभी नहीं पढ़े, कभी नहीं। इनकी बातें सुनकर क्या आपको लगता है कि इनकी किताब में कुछ खास बात होगी? नहीं नहीं, मैं सीरियस हूं, जो लोग पसंद करते हैं उन्हें पढ़ें। अरे मेरे फैंस प्लीज शांत हो जाइए,
मैं यहाँ पर आया, आपको देखा और मुझे खुशी हुई। अब मैं जाता हूँ, माइक आपका। चल 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 यार। अरे भाई 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 फुटबॉल फाइट्स, स्ट्रीट फाइट्स, कार्निवल फाइट्स, फेस्टिवल फाइट्स, गाला फाइट्स, थिएटर फाइट्स और फिर आती है हिट या मिस टाइप की फाइट और अंत में स्कोर तय होता है। ऐसी फाइट्स तीन भागों में बांटी जाती है, एक जिसमें बॉडी डैमेज होती है, दूसरी जिसमें ईगो डैमेज होता है और तीसरी जिसमें फीलिंग्स डैमेज होती है। और इस हर एक के लिए हर एक की राय अलग होती है। सलाम वालेकुम। अगर ऐसे लोग हैं जो उसकी कही हुई बात को नहीं समझते हैं तो ये उनके लिए है जो आज यहाँ शरीक हुए हैं। सभी लोग हमारे प्रिय और बहुत ही करीबी हैं। मैं माफी मांगता हूँ, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये सब किस तरह से हो रहा है, लेकिन हमने सभी के लिए खाने का इंतजाम किया है, इसीलिए गुजारिश है कि आप सभी खाना खाकर ही जाएं और जिन्होंने यहाँ पर तबाही मचाई है वो लोग भी खाना खा सकते हैं और अगर वो जाना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी होगी। वजीम, ये तुम्हारे करियर की सबसे अच्छी फाइट थी। पास आओ, मुझे तुम्हें किस करना है। अच्छा, अरे फातिमा, मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जरा इज्जत से पेश आओ। तुम्हारी अम्मी होती तो वो भी यही कहती, ये तुम भी जानती हो। मैंने तुम्हें जिंदगी में बहुत मौके दिए हैं पर अफसोस अब मैं और मौके नहीं दे सकता। फातिमा, हमारे पास लौट आओ। वही है। हेलो, मुझे वापस जाना है। ठीक है। यही है मेरी जीवन की तकदीर। तो इसीलिए अगर किसी को कोई संदेह है तो मुझसे आकर पूछे। हाँ,
आपके वीडियो में लड़ाई असली है या डुप्लीकेट है सर? डुप्लीकेट नहीं बल्कि असली है। क्या तुमने वीडियो नहीं देखा? हाँ। क्या तुम्हें डुप्लीकेट लगा वो? सोशल मीडिया और साइबर स्पेस का सोच समझकर इस्तेमाल करें, इसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। युवा पीढ़ी को इसके खतरों से बचाना होगा, समझ रहे हो? ठीक है तो फिर जय हिंद। सोशल मीडिया भी सर। सर चैन खींचता है। चैन स्नैचर तेरी तो। सर रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए, जिसकी चैन गई उसका पति है ये। तुम उससे मेरे खिलाफ शिकायत करवाओ। जी हाँ हेलो आंटी, वो मेरे आसपास में ही है। जरा वजीम को फोन दो सत्तार, हमने वीडियो देखा है। अच्छा वीडियो देख लिया? अम्मी क्या तुम घर नहीं आओगे? वजीम मैं घर आ रहा हूँ। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तुम्हारे पास जाने के लिए और भी बहुत सी जगह है, तो घर आने की क्या जरूरत? लेकिन पापा तुम्हारे आने की खबर हमें कंप्यूटर और मीडिया से मिलती है। पापा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। वजीम भले ही मैं तुम्हारी बात सुनूं, लेकिन क्या कहने के लिए कुछ अच्छा है? अगर है तो बताओ। देखो तुम कहीं भी घूम फिर सकते हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास घूमने के लिए बहुत जगह है, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम्हें इस घर में आना है तो मेरा बेटा बनकर, वरना आने की जरूरत नहीं। इससे पहले भी आपने घर से निकाला है ना, तो फिर यहां आते क्यों हो? मैं उस घर से तब निकलूंगा जब आप सच में निकालेंगे। और आपकी बात गलत है, मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, और मैं अम्मी के हाथों का खाना खाने आता हूँ वहाँ पर। मैं आपका बेटा वजीम ही हूँ और हमेशा वही रहूँगा। आप कहाँ जा रहे हैं बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा बेटा खाने पर आ रहा है, उसके लिए लौकी लेने जा रहा हूँ। शायद लौकी खाकर थोड़ा उसका दिमाग ठंडा हो जाए। कुछ अपने लिए भी तो खरीदिए ना। हाय। प्लान क्या है? अरेबियन ग्रिल्स। अरेबियन ग्रिल्स, चलो अच्छा है। हाँ। बढ़िया है। अच्छा तो इसमें खर्चा बहुत होगा। मैं इसका आधा दे सकता हूँ। ठीक है फिर, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं तो इसका आधा ही दे सकता हूँ। अरे वो कुछ नहीं जानता। तू पूरी कीमत बता, मैं आधा बताता हूँ। अभी बजट की प्लानिंग का वक्त नहीं है, उससे पहले भी कुछ चीजें हैं। पहले जगह देखनी होगी, जल्दबाजी नहीं करनी। वो जगह तैयार है। जगह तो ठीक है ना? मेरे पास दुकान के लिए एक नाम है, बताऊं क्या? बर्नो। बता। हाँ बर्नो, BURNO बर्नो। अच्छा नहीं है, पसंद नहीं आया। तो न्यू वेब भी कैंसिल कर दो। न्यू वेव अच्छा है। न्यू वेव अच्छा है। वाह न्यू वेव, वाह ये एकदम सही है। ठीक है वजीम। हाँ क्या तूने वो खबर सुनी? छोड़ना वो सब। है क्या तुम्हारा इरादा? क्या था वही जो तुम्हारा इरादा था। हाँ तो फिर छोड़ना। मैंने बताया था ना मेरा वजीम बहुत बदल गया है, अब उसे वो पसंद नहीं आने वाला है। उसने उस आदमी को छोड़ दिया जिसने उसे धोखा दिया था। क्या तूने उसको बताया नहीं? अबे ये सबसे मजाक कर रहा है वजीम। ये उसका मंगेतर है, उसकी दो दिनों में सगाई हो रही है, मुझे अभी अभी पता चला।
वजीम, हाँ? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो तो मुंबई गए हैं किसी फिल्म के सिलसिले में। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे पापा को कुछ पैसों के लिए बोला था, वो बोले आज देंगे। अरे रे, पापा तो परसों लौटेंगे। अरे रहने दो, अभी उन्हें कॉल मत करो, उन्हें आ जाने दो, फिर बात करूंगा। फिलहाल ये रख लीजिए, पापा लौटे तो मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? देख के चलाना। अबे रुक ना, ए रुक रुक रुक, मुझे अभी बताता हूँ। वहां पहुंचा तो देखा कि साइकिल अकेली है। वहां साइकिल अकेली थी। हाँ? आगे बढ़ो। और मैं वहीं खड़ा रहा। भाई भाई एक मिनट रुको। अभी बोलो। मैं वहीं पर खड़ा था और तो तुमने उस लुच्चे को नहीं मारा? अरे ऐसे कैसे, एक जम के लगाया उसके चेहरे पर। लेकिन उसके चेहरे पर ना एक कवर था। खबर? अरे खबर नहीं यार, केस। मतलब कैरी बैग। हाँ, वो प्लास्टिक कैरी बैग होता है ना वैसा। कितने वाला था भाई? वो 50 पैसे वाला, पॉलीथीन का होता है ना जो। अभी भी 50 पैसे? पता नहीं, 60 का हो गया। 50 पैसे बंद हो गए। हाँ, 50 पैसे बंद हो गए, 50 पैसे बंद हो गए। रुको रुको, मुझे एक बढ़िया हुक्म मिला है। पहले मेरी बात सुनो। वजीम, यहाँ आओ। क्यों? अरे यहाँ तो आओ। क्या हुआ? वहाँ देखो, अब हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम लोग उनकी इज्जत की रक्षा करें, समझ गए ना? ओवर एक्टिंग मत करें, जो भी कहना है ना साफ साफ बता दे। वो सोमवार होने वाले मैच का स्कोर नहीं देख पाएगा। पर सोमवार को ही क्यों? अरे तैयारी के लिए 2 दिन चाहिए ना। हाँ 2 दिन तो चाहिए। अच्छा कोई हिंट? साइकिल। साइकिल, लाल लाल साइकिल मेरी, चमके चमकदार और भागे जैसे कार। मैं सब कुछ जानता हूँ, लात मारनी ही पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, पिछले दिन एक घटना हुई थी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं रात को साइकिल लेकर मोहल्ले में गई थी। अचानक एक लड़के ने मेरा पीछा किया। मैं थोड़ी डर तो गई थी, बट ऐसे वक्त में दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मेरी दोस्त नाहस और मैंने बहादुरी से उस लड़के का पीछा किया। साइकिल राइड वीडियो से पहले हम इस वीडियो की कुछ झलक इस चैनल पर अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ये लड़की कौन है? इस लड़की का नाम है फातिमा वीवी, और ये आबिद की मरी हुई बहन की बेटी है। बाप के साथ दुबई में रहती है, शायद अपनी माँ से मिलने यहाँ पर आई है। वही ना जिसने दुबई वाले से शादी की है? हाँ वही। तो उसकी माँ नहीं? वो एक म्यूजिकल लेडी, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सेंसेशन है, उसकी हर वीडियो वायरल हो जाती है। अगर तुमने वीडियो देख लिया तो शर्म से पानी पानी हो जाओगे। हमें एक अच्छा प्लान बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है? कैसा रहे अगर हम एक लाइक बटन और एक फॉलो बटन दबा दे? वैसे ये तो मैं पहले ही कर चुका हूं। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? शिफले ये हबीबी, नजर आती वो कमाली, हबयार ती वो शहबादी, लिसन लिक लिक तहकी में, got views from the beat so pretty, attitude independent big city,
I grind so I got big checks. I'm young, rich, luxury. मैं धीरे धीरे फंस गया तेरे प्यार के जाल में, या इलाही आशिकी, मेरा खो गया है दिल. तेरे कातिल है जलवे, तेरा रूप है ये सोना. तुझे जब मैंने है देखा, तू है मेरी दिल बोला. जब देखा तेरा नखरा, मेरा दिल भी ये डोला. तेरा हुस्न है ये शोला, तेरा जादू है छाया. Travel to the Gulf, yo, I got the spotlight on me. Came with a dream and secured my spot. Top of the board, yo, money is the mood. Got you hungry for a taste like you're cooking my food. Taking my time, waiting on you. Into the wild, raiding on you. Send it to mind, love a girl. Monopolize, run the world. Locking it down, wearing a crown. Shacking my wings, wearing it down. They're never gonna change this girl. Bad bougie. ने फुर्सत में तुझे बनाया होगा. तेरा चेहरा चांद के जैसा अजूबा है उसने. वो बात मेंशन तो करो. हाँ. अल्लाह ने फुर्सत में तुझे बनाया होगा. तेरा चेहरा चांद के जैसा अजूबा है उसने. ये मेरा चुरा लिया है तूने. दिल चैन चुराया तूने. Followers, they don't see me. Got my boats and jet skis. Tiger's looking for my next me. Teri hi lagan lagi, dekhu main tere sapne. Meri life mein pyar ke rang bhar diye tune. Tere ab to ek bhi pal ji nahi main sakta. Ya ilahi aashiqui, mera kho gaya hai dil. Tere qatil hai jalwe, tera roop hai ye sona. Tujhe jab maine hai dekha, तू है मेरी दिल बोला. जब देखा तेरा नखरा, मेरा दिल भी ये डोला. तेरा हुस्न है ये शोला, तेरा जादू है छाया. तेरे कातिल है जलवे, तेरा रूप है ये सोना. तुझे जब मैंने है देखा, तू है मेरी दिल बोला. जब देखा तेरा नखरा, मेरा दिल भी ये डोला. तेरा हुस्न है ये शोला, तेरा जादू है छाया. धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है. धूम्रपान करोगे तो फेफड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए इससे दूर रहना ही बेहतर होगा. वरना भाई, ये बात तुम्हें उसके सामने बोलनी होगी. अरे सुबह बोल दूंगा ब्रो. राइट, कूल. ये ले, मैं सुसु करके आता हूं. सॉरी, ये लेडीज टॉयलेट यूज नहीं करेगा. अच्छा ठीक है, ये टॉयलेट साफ है क्या? चलो. तुम बीवी हो ना? हाँ ठीक है, मैं आपको फॉलो करता हूँ. थैंक यू. आपके वीडियोस कमाल के हैं. हाँ ठीक है. सुनिए ना, वो लड़के का क्या हुआ जिसने पीछा किया था? हाँ, टेंशन मत लो, पेशेंस रखो, मैं वीडियो अपलोड करूंगी. यहाँ पर कुछ शैतान लड़के हैं, तुम्हें परेशान करेंगे. ए, अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो तुम सामना करोगे ना? वो तो करूंगा, लेकिन दीदी आओ ना, चलो चलते हैं. मेरे साथ जाओगी तो इंतजार करो. क्या कह रहे थे? अरे वो बदमाश लड़के अकेले नहीं होंगे ना, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास कोई वजह हो. ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई गिरी हुई चीज वापस करना चाहते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने उन्हें कोई गंदा सा इशारा कर दिया हो जो शायद उन्हें पसंद ना आया हो, और आपको लड़का समझकर आपके पीछे आ गए हो. उन्हें थोड़ी ना पता है कि आप एक बहुत ही अच्छी लड़की हैं. अच्छा तुम ही मुझे बता दो कि वो मुझसे पंगा कैसे लेगा? ये तो डिपेंड करता है कि आपका आने वाला वीडियो हानिकारक ना हो. वीडियो में लड़का नजर नहीं आ रहा है, अंधेरा था ना, लेकिन एंटरटेनमेंट मस्त है. फिर तो बदला कैंसिल किया जा सकता है अगर आप वीडियो अपलोड ना करें तो.
मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त इससे अग्री करेंगे। उसकी नाक में जोर का मुक्का मारा है, वो भी बदला लेना चाहेगा ना। डोंट वरी, मेरे पास एक और आइडिया है। क्या तुम कल नाके की मंडी की दुकान पर आओगे? मैं उद्घाटन कर रही हूँ। हम वहाँ जाते हैं, अचानक मिलते हैं, एक साथ वीडियो बनाते हैं और उसके साथ फ्रेश वीडियो बनाते हैं। इस सिचुएशन में तुम्हें और मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, दोनों जीतेंगे। ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगा। जुम्मा की नमाज के बाद आओ, एक सेल्फी क्लिक करें। हाँ क्या? इंस्टाग्राम आईडी बताओ। ऑजम डॉट अब्दुल्ला AWZEM। ओके बाय बाय बाय। आउच, ये सब कल दोपहर तक मेरे सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो, मैं बिजी हूँ। फिर तो मैं भी बिजी रहूंगा। तुम क्यों बिजी रहे? तू बिजी तो मैं भी बिजी। कल मैं दोपहर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके साथ मैं बीवी के साथ एक वीडियो बनाऊंगा। अरे क्या बात है भाई, इतना फास्ट? इतना ठीक है। तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक बिजनेस है। जमीन उनकी है और वो बिल्डिंग तुम्हारी है, इसीलिए फैसला करने का हक सिर्फ तुम्हारा है। हालांकि इसी की वजह से कई लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें इस थिएटर को किसी तरह और 2 महीने चलाना है, तब तक उन लोगों को कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। अरे तुम क्या कह रहे हो, लंगड़े घोड़े को खेल में दौड़ाने से कोई फायदा नहीं। अब्दुल, ये असल प्रॉब्लम नहीं है। सतीश की माँ की मृत्यु के बाद ये जमीन उनके सभी बच्चों की है और उनमें अच्छा मेल जोल भी नहीं है। वो इस जमीन को बेचकर बस अपना हिस्सा चाहते हैं। ये वक्ती तौर की समस्या हो सकती है, बिजनेस खत्म होने के बाद आप थिएटर को भी संभाल सकते हैं। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। लेकिन अब्दुल भाई, मुझे अपनी नहीं मजदूरों की फिक्र है। एक बार सतीश से बात कर लो और उससे 2 महीने का वक्त मांग लो। जहीर, कोई मौका है? कोई मौका नहीं है, अंदर बैठे सारे लोगों को बाहर निकालो, वरना कुर्सियां तोड़ देंगे, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। पहले ही क्या परेशानी कम है, बताओ मैं अकेला क्या करूं? उनसे कहो कि ये टिकट लेकर अभी जाएं और शाम का शो देखने आएं। पहला शो आज होना ही चाहिए। वजीम बेटा, 3 ब्लैक टी लेकर आओ। हाँ। 3 कप चाय रखना। वजीम। हाँ। तेरा सबसे प्यारा दोस्त यहाँ पर फिल्म देखने के लिए आ रहा है, दुबई से यहाँ पर, वो इसी थिएटर में फिल्म देखना चाहता है, उसके साथ अच्छे से पेश आना। मैट नहीं, शो नहीं हो रहा है, प्रोजेक्टर बंद है, कल पहले शो के लिए लिया। या खुदा, इतना बैठ लिया, क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए जो मेहनत की वो सब बेकार हो जाएगी। क्या बात कर रहा है? जरा उस कार में तो देखो कौन आ रहा है। उए वो कब आई यहाँ? वो 2 दिन पहले ही यहाँ आई है, उसके साथ मेरी मंगेतर की दोस्त है, वो 2 साल तक यहाँ पढ़ाई करेगी, तेरी निकल पड़ी। शुक्रिया। अब एक काम कर, वहाँ जाकर उसे किसी भी तरह रोक दे, मैं चाय देकर आता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ। वो यहाँ पर है, यहाँ पर। पता नहीं कब तैयार होगा। परेशान मत होइए, हमारे लड़के ठीक कर देंगे। कब? हाय वजीम। और भाई सब ठीक? हाँ ठीक है यार,
सुनो, हम इस लड़के को आपके थिएटर में फिल्म दिखाने ले गए थे। आपके फिल्म ने हमें शर्मिंदा किया। उसका भाई है, दुबई दुबई। सॉरी, वो प्रोजेक्टर खराब हो गया, कल पहले शो में आइए ना। हेलो। वैसे ये हिंदी कम बोलता है पर समझता पूरा है। अच्छा, ये बोलता भी अच्छा है। हे, जरा इससे हिंदी में बात करके दिखाओ। हाँ, हाँ। Do you own this shitty place? It's so stinky here. ये क्या कह रहे हो? फिर से वैसे ही बोलने लगे? ठीक से बोलो। हाँ, उसे ठीक से बताओ। तो कल पहले शो में आ जाइए। लेकिन वो मैटिनी शो नहीं है। आप पहले शो में नहीं आ सकती? इसमें मैटिनी शो नहीं है क्या? पिछली बार वीडियो बनाने के बहाने मुझे धोखा दिया। अगर आज आते हैं और शो नहीं हुआ तो? अरे ऐसा नहीं होगा, पिछली बार मैं फंस गया था, आज का शो पक्का ही है। आप प्लीज आ जाइए। उस दिन तो जैसे तैसे मैंने अपने फैंस को शांत किया था। पर वो ऐसे शांत होने वाले नहीं है। उस दिन हमें एक दोस्त को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, अब मर भी जाए नहीं ले जाएंगे। तुम चलो, हम कुछ नया शूट करेंगे। अब रहने दो, वो मौका गवा दिया, अब कुछ और करते हैं। अब इसके लिए मुझे कुछ और एंटरटेनमेंट करना होगा। तुमने हेयर स्टाइल बदला क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ। तो हम चले? हाँ। सुनो, शो के टाइम पर ही मत आना, थोड़ा पहले आ जाना। देखते हैं, अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। बाय। तुमने हेयर स्टाइल बदला है क्या? बालों को टच मत करना तुम। बड़ा है। हेलो, खाने के लिए आ रहे हो ना? दोपहर का खाना। हाँ, राजेश और विकास यहाँ पर हैं। हाँ, आ रहा हूँ। तो फिर ये उमेश बाबू कौन है? उमेश बाबू। हेलो दोस्तों, उमेश बाबू आ गए हैं। मैंने तुम सबको यहाँ पर उसका वेलकम करने के लिए नहीं बुलाया था। फ्लेक्स बोर्ड लगाए? तुम तो चुप ही रहो। देखो, ये मेरी इज्जत की बात है, मैं तुमको बता देता हूँ, मैं उसे यहाँ पर पैर जमाने नहीं दूंगा। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, उसके बाद मुझसे शिकायत करने कभी मत आना। यार मैं बिजी हूँ, मौसी की बेटी की शादी है। आखिर सत्तार की मौसी की बेटी की शादी है, मटन परोसेंगे। अगली बार के लिए रखते हैं ना। मैं सब देख लूंगा। ये कुछ ज्यादा ही समझदार है। ये एक एक्स्ट्रा फाइट थी जिसमें समझौता हो। हवाई अड्डे के रास्ते में उमेश बाबू फिर से मरना चाहते हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो ब्रदर। इसने क्यों मारा? देख क्या रहा है, चलना। हे, ये इतना भी बुरा नहीं है क्या? तुम इसी के लिए चिल्लाए थे? पंचा ने उसे अंदर से कुचल दिया है, बाहर दिखाई नहीं देगा। जिन्होंने देखा उन्होंने ऐसा बोला। असल में क्या हुआ था, पूरी बात बता। मैं अपना काम निपटा के घर आया, घर पे बैठे बैठे मैं बेचैन होने लगा। उसके बाद मैं उमेश बाबू को ढूंढने निकला, मुझे पता चला कि वो मन्नू के घर के आसपास है। हाँ। मैंने सोचा कि आज उसकी बैंड बजा दूंगा। क्या हुआ, चुप हो जा। हाँ, फिर क्या हुआ? मैं सीधा इरशाद की दुकान पर गया, मैंने वहां से एक नमकीन का पैकेट लिया और वहीं पर खाने लगा। मुझे देखकर किसी को अंदाजा नहीं होगा कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। और उसके बाद खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी आओ, कहानी बाद में सुनाना। अरे अम्मी, मैं उन्हें अपने हालात बता रहा हूँ और तुम्हें अपने खाने की पड़ी है। ये पहली बार नहीं हुआ है, चुपचाप आके खाना खाओ। आगे बोलना। तुम वो मेरी तरफ ही आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहने आ रहा है। फिर मैंने सोचा
आज तो सुना कर ही रहूंगा, लेकिन उसने तो मुझे ही आकर वापस बोला। बिना कुछ किए किसी को मारना, और वो भी दो बार। चल बहुत हो गया, उसे खत्म करते हैं। जमशी, ये गाना सुनो, ये फ्रेश हो जाएगा। आग का प्रकोप, आग का क्रोध। उसने क्लब से शुरुआत की, वर्ली से बांद्रा पहुंचने का टाइम नहीं मिलेगा, समझा? इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? उसे जाए कितनी भी देर हो जाए, हम इंतजार करेंगे। इसे खत्म करने दो। सत्तार, ठीक है। हम उसे पकड़ लेंगे, पर मारेगा उसे जमशी। मैं मारूंगा। टूट गया सब, दिल का सुनता नहीं है, आग भड़की है, आग भड़की है, आग भड़की। क्या कहा, कोई जरूरी प्रोग्राम? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, अभी आता हूं। अच्छा ठीक है, तुम लोग वहीं खड़े रहो, मैं अभी आता हूं। ये सियाद है ना? अरे कहां जा रहे हो? अरे रुको ना, बस पहुंच रहा हूं। सियाद? हाँ वसीम। अरे बाप रे, विकास इधर से आ रहा है। ए, वो देख आ रहा है, मैं उधर से पकड़ता हूँ। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। चल इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ मुझे, छोड़। अरे छोड़, तू मुझे क्यों पकड़ रहा है? अबे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वो वहाँ पर है। अरे वो पागल है। अरे अंदर जा। क्या कर रहे हो? अरे अंदर आओ जल्दी। क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या? राजेश का रिवर्स करो, हमें से लेने की जरूरत है। हमें रिवर्स नहीं लूंगा मैं, एक काम भी ढंग से नहीं करते हो तुम लोग। कहाँ जा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। अरे चुप रहे, सादर वजी को लाओ। चुप बैठो, करो उस तरफ जाना है। यार क्या कर रहे हो? किसो अबे धीरे बोलना। मेरे प्यारे जमशी, इसे बांध लो। क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो सियाद था ना, उससे क्या प्रॉब्लम है? बहुत टाइम से उसे मारना था। छोड़ूंगा नहीं। ए, टिकट निकाल। अगर नहीं दू तो जा नहीं पाएगा। क्या सच में? देख भाई मजाक मत कर, बहुत काम है। ला। तुम इतना गुस्सा क्यों होते हो यार? चीयर्स। बेहतर होगा तुम मुझे घर छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद चला जाऊंगा। उसके बाद मुझे दोष मत देना। अरे जमशेद इसे पी लो यार। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कार की चाबी दे। बहुत देर से यहीं बैठा हूँ। वजीम, वो हमारे बुलाने पर आ गई, क्या हम वहां जाकर बात करें? अरे वो अकेला पड़ जाएगा। अरे उसको छोड़ना, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब तुम वहां बिल्कुल मत जाना। इसकी तो ए जमशी। क्या? वो उसकी लड़की यहां पर आई हुई है। तो इसमें मैं क्या करूं? अरे हमें सिर्फ उसको सपोर्ट करना है। हम सब लोग यहां ये काम करने आए हैं क्या? तुम लोग उसके दोस्त हो ना, तो फिर उसके साथ जाओ ना, मैं बीच में क्यों आऊं? मुझे तो बस घर जाना है। सुन, और तू मेरे बारे में मत सोच, अपने इन दोस्तों को ले जा। वजी भाई हम नहीं आ रहे हैं, तुम दोनों अंदर जाओ, हम यहीं पे रहेंगे। वजीम तू अंदर जा। हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा। जमशी हम सारे काम कर सकते हैं, तू हमारी जरूरत है। मुझे वो सोडा दे। हाँ, ये लो। अब जा भी, तुझे जाने के लिए किसने रोका? ठीक है, कहां से जाना है बोल। पीछे के दरवाजे से चलते हैं, पीछा करने में आसानी होगी। अब तुम में से कोई भी यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। किसी को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं,
या तो कानून की गिरफ्त में आ जाओ या फिर मेरी गोली। भाई 10 बज गए, अरे वहां देखना। क्या तू मुझे बता सकता है उमेश यहाँ कितने दिन रहेगा? वो यहाँ एक या दो हफ्ते के लिए रहेगा। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको उसका पूरा प्रोग्राम एक रिपोर्ट के साथ बता दूंगा, बस काफी है। तू अब कहाँ जाना चाहता है? इसे पकड़, मुझे एक बार सोचने दे। उसका नाम क्या है? किसका? उस लड़की का। उसी से पूछना। ऐसा है क्या? आ चल पूछते हैं। पूछते हैं। चलो। जमशी, यहाँ हर कोने पर एक नजर है, अगर हमें भी वजीम जैसा कोई मिल जाए तो। थप्पड़ खाना है तुम्हें? क्या वजीम मुझे देख रहा है? अरे वो अभी कुल्लम टीम यहाँ है, वो कबड्डी खोया। वो क्या हुआ? वो लोग फिल्म देखने आए हैं, क्या वो फिल्म भी नहीं देख सकते? अरे उधर देखो, उसके गिरोह के साथ बोल ठमसा है। शादी के बाद वो अब रिटायर हो चुका है। वे सऊदी लोग और पोथान एक साथ क्यों बैठे हैं? राजेश क्या तुम कोई गलत वाइब महसूस कर सकते हो? क्या गलत वाइब? ये जमशी है ना। यहाँ कुछ भी गलत हुआ ना तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। मैं पूरी तरह ठीक हूँ। कैसा है जमील? ए, जाना। सॉरी मैडम, गलती हो गई। वो उस अविकुलम गैंग से। हाँ हाँ बिल्कुल। ये कौन है? Yeah.
अपना डिग्री सर्टिफिकेट, प्लस टू सर्टिफिकेट, टेंथ का सर्टिफिकेट और पासपोर्ट लेकर ट्रेवल एजेंसी के पास चले जाओ, क्योंकि तुम 2 साल के लिए दुबई जा रहे हो। है मुश्किल दूर है मंजिल, रुकना नहीं हिम्मत रख, दिल जो है रेडी कर ले पूरे ड्रीम, तू सभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम है। मैंने सुना है वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है पापा, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। कामकाजी जीवन में ये समस्याएं हर किसी के साथ रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पापा वो बात नहीं है, पहले तो ये बहुत ज्यादा बातें करते थे मुझसे, पर आजकल थोड़े बदल गए। पापा वो जो कह रही है वो सच है, मैं ऐसा नहीं हुआ करता था। मेरे अंदर कुछ तो है जो बाहर नहीं आ पा रहा, मुझे पता है ये क्या है और मुझे विश्वास है कि मैं इसे खुद ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो जरूर आपके पास आऊंगा। अब मैं जाऊं, तुम बैठो और कुछ देर पापा से बात करो, मैं बाहर ही हूं। हाँ बोलो क्या बात है। वो क्या है ना, किसी ने बहुत अच्छा काम किया इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। ओह, क्या तुमने किया? नहीं नहीं तुमने, मैंने बधाई के लिए कॉल किया है। थैंक यू सत्तार। कोई बात नहीं। तुम वहाँ अकेले हो? हाँ मैं यहाँ पे अकेला हूँ। ठीक है तो बाय। ओ हाँ ओके ओके। मैंने उसे बधाई दी तो उसने थैंक यू बोला, लेकिन बातों से लग रहा था वो खुश नहीं है। मेरे बारे में पूछा? सिर्फ मेरे बारे में पूछा। क्या पूछा? क्या तुम अकेले हो? फिर एक बार फोन करो। लेकिन क्यों? अरे कॉल करना। लेकिन क्यों अजीम? मुझे चेक करना है। क्या? कि वो मुझे थैंक्स बोलती है कि नहीं बोलती है। सतार उसे अपना फोन दे दे। ये लो करो। हाँ हेलो। हाँ फातिमा, आजकल तुम मुस्कुराती क्यों नहीं हो? अच्छा सुनो ना, ये गाना तुम्हारे लिए है फाती। घमंड ना कर फाती, मूड बदल फाती, छोड़ अकर फाती, सुन गौर से फाती, इधर इधर तू आ फाती, मेरे पास जरा आ फाती, मेरी बात जरा सुन फाती, मुझको दिल में रख ले फाती। हे बी फाती, जस्ट बी फाती। यू आर इन अ क्रूज एंड आई नो यू आर क्रूसिफाइड अंडर कॉटेजेस, आई नो यू वेप्ट हार्ड। तू ही है मेरा ड्रीम पहला, तू ही मेरा पहला लव, आई नो दैट वेरी वेल फाती। एक बात मुझे बता फाती, डोंट यू वांट मी फाती, डोंट यू लाइक फाती, यू कांट लिव विदाउट मी फाती। ओ डियर। बेबी हबीबी, प्यार में ना अपने दिल को तू धड़का, मुझे पाने के लिए ना खुद को यूं तड़पा, मेरे लिए ना अपना तू ऐसे यूं टाइम गवा, रुक जा
तोड़ना दिल मेरा फाती, बात मेरी समझना तू फाती, प्यार में तेरे पागल मैं फाती, संभालू कैसे दिल फाती, इल्तिजा मेरी ये है फाती, तू है तो मैं भी हूँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ फाती, तू ही है दिल के करीब फाती, तू ही है मेरा नसीब फाती, दिल मेरा बस तुझे ही ढूंढे, यहाँ फाती वहाँ फाती, हर तरफ तू ही है फाती, दिल में है फाती, जाँ में है फाती, मेरा रब है तू, मेरा सब है तू, मेरा दिल भी तू, मेरी जाँ भी तू, फाती डार्लिंग, मेरी फाती है तू। तू ना माने क्यों ना तू मेरी बात सुने, अरे तू ना जानता मुझे, आई एम एन ऑयल फील्ड जैसे हिस्टोरिकल वॉर जोन हूं मैं, क्यों बेकार कोशिश करे, क्यों मेरी डिमांड करे, झेल सकेगा ना ना करे, रह तू मुझसे दूर परे, क्यों तू मेरी चाह करे, ऐसे आहें क्यों भरे, देखा ना तू ख्वाब मेरे, टूटेंगे सब ड्रीम तेरे, तेरा दिल है नाजुक वाला और मैं हूँ एक शोला, अरे छोड़ दे मेरा इरादा, अरे दिल मेरा तू ला ला ला, अरे सुन ले मेरी बात, सनम ना सह सकेगा मेरा सितम, मैं हूँ शमा तू क्यों परवाना बन के यूं जले। मान जा फाती, मान जा फाती, मान जा फाती, मान जा फाती, अब मान जा फाती, सुन तू फाती, तुझे पाऊंगा फातू, तू बनेगी तो सिर्फ मेरी, ये मेरा वादा है फाती, तू है मेरी फाती, मेरा लव मेरी विशेस फाती, मेरी जान है तू, तुझे ही दिल दिया, तेरा भी दिल लेना है, सदा तू खुश रहे फाती, मेरा सब कुछ तू ही है फाती, अस्सलाम वालेकुम फाती। पिछली कहानी के अलावा मेरा पीछा करने वाला कोई नहीं। क्या चाहते हो तुम? क्या तुम दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो? हाँ, जिंदगी ना एक चक्र जैसी होती है और ये चक्र कभी ना कभी टूटता है। ऐसा ही राजवीर को सलाम। दोस्तों, राजवीर भाई को मेरी शुभकामनाएं, जिन्होंने एसआई के पेपर को पास कर लिया है। कई बार हमारे बीच झगड़ा हुआ, वो सब भूलकर अब हम पार्टी करेंगे। आज रात के चीफ गेस्ट राजवीर जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज की पार्टी के बारे में कुछ बोलें। आज की पार्टी हम सबके लिए एक यादगार पार्टी होगी। आज के रात के चीफ गेस्ट राजवीर सिंह होंगे, वही कुछ बोलेंगे। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बढ़िया, मजा आ गया। बोलिए, मैं इस पार्टी की मेजबानी के लिए आने वाले शराब के व्यापारी मिस्टर डेविड कभी हमारे गले की हड्डी थे, जो आज हमारी आंखों के तारा बन चुके हैं। इन्हें तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। जिन्होंने हमारे झगड़ों को खत्म करने की पहल की थी, जो कि हमारे परिवारों के लिए सिरदर्द बने हुए थे, तो उनका भी मैं इस मौके पर आप सभी लोगों के सामने शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और वो है अपने काली शरण जी।
थैंक यू सो मच सर, लव यू। और अगर मैं सच कहूं तो डेविड भी इस बात का इंतजार कर रहा था, वो मैं था जिसने देर कर दी। लेकिन अब मुझे पुलिस वालों का भी सम्मान करना पड़ेगा। खैर मेरा भाषण बंद करता हूं और हम सब शराब पी के इस लड़ाई को बंद करने का ऐलान करते हैं। Cheers! शुरू करने से पहले उसका इंतजार नहीं कर सकते? अरे ये तो वार्म अप है, पीना बाद में होगा। अभी तक वो वाली बोतल हमने नहीं खोली। सतार, तुझे तो आज दो पैक पीने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जमशी, एक तरफ जहाँ बड़े बड़े महल हैं, जहाँ झरने गिरते हैं, मखमल के बिस्तर और भरे हुए जाम, और उसके साथ साथ टाइम पास करने के लिए लड़कियाँ, और दूसरी तरफ है शराब जो हंगामा करने के लिए मजबूर कर देती है। दोनों में तुम क्या चुनोगे? मुझे तो सभी चाहिए। एक बात बता, तू सिर्फ मुझे क्यों सलाह दे रहा है? क्या इनको जरूरत नहीं है? ये सही बोल रहा है, तू इसे बेवजह सलाह क्यों दे रहा है? हमें भी दूसरों की जरूरत होती है। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। अगर तुम ऐसे लोगों को पार्टी में बुलाओगे तो पार्टी खराब कर देंगे। हाँ बिल्कुल, हम भी तो पार्टियां करते हैं। हाँ पर अपने घर पर, इधर उधर नहीं, पार्टी मस्त होती है। क्या हमें इस पार्टी में नहीं बुलाओगे? अगर मुझे टिकट मिलेगा तो तुम सबको ले जाऊंगा। मैं भी आऊंगा। Cheers guys, straight from Dubai. Habibi, welcome to India mere yaar. तुझे घर से आने में इतनी देर क्यों लग गई? मुझे लगा खाना खा के वापस आऊंगा, लेकिन बातों बातों में देर हो गई। ताजा मछली है, मैं खुद लेकर आया। आराम से। ए, तू भी खाएगा ना? अम्मी बता रही थी पापा आज भी दो शो खत्म होने के बाद ही खाना खाते हैं। ओ, बेकार चीज है, नहीं खाया मेरे साथ। उसके बाद मैं सिनेमा हॉल गया। तू तो भावुक ही हो गया भाई, तू तो रुलाएगा यार। अच्छा राजेश, हाँ? हॉल का इंचार्ज कौन है? वो पड़ोस वाली टीम है। लेकिन क्यों? हम लोग मिलके फूड कोर्ट चलाएं। आइडिया अच्छा है, पापा के लिए कुछ काम हो जाएगा। मैं पूछता हूँ, पूछ के देखना, टेंशन मत ले। विकास, लड़की देखने जाने के लिए क्या तू किसी को ढूंढ रहा है? तो ये है ना दुबई का जेंटलमैन। राजन, आज कोई प्रोग्राम नहीं है क्या? इंतजाम कर दो। तो करो फिर। तो करना। हाँ तो करना, किस चीज का वेट कर रहा है? नाचो यारो, नाचो यारो, नाचो यारो, नाचो यारो, रे नाचो रे नाचो रे नाचो नाचो, 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 नाचो यारो सारे, मेक सम नॉइस। हे यारो नाचो, झिनक हे यारो नाचो, झिनक झिनक हे यारो नाचो, झिनक हे यारो नाचो, झिनक हे यारो नाचो, झिनक झिनक हे यारो नाचो, झिनक हे यारो नाचो, झिनक हे यारो नाचो। भाइयों और बहनों, हेट क्लब में आपका स्वागत है। हेड क्लब का पहला रूल है कि आप हेड क्लब के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, और हेड क्लब का दूसरा रूल है कि आप हेड क्लब के बारे में बात ही नहीं कर सकते। धमाल मचाओ, हे हे हे, धमाल मचाओ, हे हे हे, ओ धमाल मचाओ, हे हे हे, धमाल मचाओ, हे। गम ना करो तुम, खुशी मनाओ, दुनिया को भुला के मौज मनाओ। फुल स्माइल यारो, वन मोर यारो, दिल की सुनो रे, अरे दिल की कहो रे, करो शोर 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 करो शोर। नाचो रे, हर, हर।
नाचो रे सर मिलके नाचो नाचो रे सर मिलके नाचो मुझे कुछ कहना है। वजीम को शर्ट बदलनी चाहिए। आखिरकार मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, कुछ तो सोचो इस बारे में। वैसे मेरा तो कहना है कि सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी बदलनी है। मैं तुम्हें कहने ही वाला था। अच्छा वो तुमने बता दिया। मुझे तो ये चीज पहले ही महसूस हुई थी। तुझे भी महसूस हुआ? हाँ। मुझे भी हुआ था। मुझे तो उसके भी पहले। और तेरा क्या लगता है इसे भी हुआ है? तू तो ऐसा लग रहा है जैसे नाटक में परफॉर्म करने जा रहा है। बदल लेता हूँ, मैं बदलूंगा। तुम बदलोगे ना? हाँ मैं बदलूंगा, क्यों नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए शर्ट मैं चुनूंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जॉर्ज की दुकान पर चलते। हाँ सही कहा, चलो वहीं चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। सज दज के घोड़े पर आएंगे, नाचेंगे, बजाएंगे, धूम मचाएंगे, मेरी घोड़ी को भगा के ले जाएंगे। हे तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे छूने की? देखा उसे छूते हुए? क्या कर रहे हो आप लोग? प्लीज शांत हो जाओ, मैं इसको जानता हूँ, ये ऐसा नहीं है। हाँ इसको मैं जानती हूँ। अरे ये कोई इत्तेफाक नहीं है, उसने जानबूझकर किया है ऐसा। अरे क्यों झगड़ा बढ़ा रहे? लड़की छेड़ते और फिर जवाब भी देते हो? ये चीरी तुम इसे तुम देख लो। भाई मत करो, याद रखना छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, छठी का दूध याद दिला दूंगा। जाओ राजवीर, जवान छोकरे हैं सब, कुछ लो चाहे। कुछ तो गड़बड़ है। ए, इधर आओ। चलो देखते हैं। चलो भाई सुनिए, वो क्या है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि केस कौन फाइल करता है, देखा जाए तो एक ही तरीका है, वो है सेटलमेंट। राजवीर तुम्हें पता है इस सेक्शन को हटाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है? तुम्हारे पापा और भाई को पता चले इससे पहले से निपटा लो। राजवीर मैं चलूं क्या? तू यही रुक। हाँ मां, बस छोटा एक्सीडेंट था, हम हॉस्पिटल में। नहीं मां मैं ठीक हूं, आने की जरूरत नहीं है, हम बस यहाँ से निकलने ही वाले हैं। आप कॉल करके उनको बता देना, ठीक है? ठीक है। और दोस्त क्या है ना, वो गलती हमारी ही थी, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। हमारे सर का कहना है कि आप लोगों को जाने दें, इसको यही खत्म कर देते हैं। केस फाइल करने से हम दोनों को परेशानी हो सकती है, सही कहा ना? इसे आगे ले जाना ठीक होगा। हॉस्पिटल के सारे बिल मैं भर दूंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम संभाल लेंगे। क्या तुम्हारे साथ कोई एनआरआई भी है? क्या उसको वापस नहीं जाना है? मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तू दुबई नहीं जा पाया। तुम्हारे भाषण में सब सुन चुका हूं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हम हॉस्पिटल का बिल भरेंगे और निकल लेंगे, इसके बारे में ज्यादा मत सोच। मैं तो बस कह रहा था ये तुम्हारे भलाई के लिए है, अगर पुलिस को नहीं चाहिए तो हमें भी नहीं चाहिए। आप जा सकते हैं, हम चले जाएंगे। फिर ठीक है, चलो चलते हैं। नहीं नहीं नहीं,
नाम क्या है? राजवीर। मैं वजीम हूं। कैसा रहेगा अगर इस केस के लिए मैं तुम्हारी पुंगी बजा दूं? तुम्हें इससे परेशानी होगी। और अगर परेशानी ना हो तो? तुम्हें सिर्फ परेशानी ही होगी और उसके बाद मुझे परेशानी होगी। ऐसा क्यों? चलो ठीक है, केस नहीं करता। झगड़े से बचा जा सकता है, लेकिन अगर तुम फिर भी लड़ना चाहते हो तो एक बार में पूरे जोर से मारना, वरना तुम मिस कर दोगे और उसके बाद बाकी का तुम्हारे पास आएगा हिट के रूप में। पहले मारना चाहोगे? वज़ीम, ये लाखों में एक फाइट होनी चाहिए, लाखों में। जवानों का वीडियो जिसने भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, इस वीडियो को देखकर उनके लाखों फॉलोअर्स को बहुत बड़ा धक्का लगा है। इस वीडियो की वजह से युवाओं की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। इसमें तो लोग मुझे पहचान लेंगे यार, अगर मानी ये सब देखा तो पता नहीं क्या होगा। सिर्फ तुझे ही नहीं, हम सबको पहचान लेंगे, समझा तू? ए सत्तार, मुझे अपना फोन दो, मुझे अपनी आंटी से बात करनी है। अरे चुप करना। मेरी मामू से नाराज होकर आंटी के घर चली गई हैं। मुझे उन्हें कॉल करके बात करने दो ताकि मैं उनको समझा सकूं। एक पैक लेगा, ये ले। और वो इस बात से भी नाराज है कि मैं लड़की देखने नहीं गया, अब मैं किसको शिकायत करूं? हाँ सत्तार, मुझे फोन दे दो यार। हाँ पापा। कहाँ हो तुम? वो सत्तार के साथ हूँ। जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। वजी, क्या वो तुमसे नाराज है? ऐसे खामोश क्यों हो? है? अरे मुझसे कुछ बात तो करो।
मुझे लगा आपको कुछ कहना होगा तो। मुझे कुछ नहीं कहना, तुम कहो मैं सुनूंगा। वैसे मैं वापस जाने की सोच रहा हूँ। लेकिन तुम अभी अभी तो आए हो। डर महसूस हो रहा है। डर रहे हो? और तुम पापा? हाँ, ये मुझे मुझे नहीं जानना है ये कैसे हुआ। अगर बदला लेना है तो बताओ। नहीं पापा, मैं मुझे मारा गया है, वो भी तब जब गलती नहीं थी, पर मैं सब भूल गया हूँ। कुछ वक्त के लिए दूर रहूंगा, बस इतना ही। पापा, क्या हम फूड कोर्ट का काम कर सकते हैं, मतलब थिएटर को फूड कोर्ट में बदल दें? इस बारे में राजेश से बात की है मैंने। इस वक्त तुम यहाँ सेटल नहीं हो सकते हो, कुछ दिन और तुम्हें दुबई में काम करना है। हाँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ ना, एक साइड बिजनेस हो जाएगा और आपके भी काम आ जाएगा। क्या सच में? वैसे तुम्हें बताया किसने कि मैं बोर हो रहा हूँ? लेकिन जरा आप खुद को देखिए पापा, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आप बालों को कलर क्यों नहीं करते? अरे भाई, आजकल तो सफेद बालों का फैशन है। इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बस सोच रहा था कि अब। अच्छा, चलो आओ साथ में खाना खाते हैं। हाँ। बात करो ना। हाँ। हेलो वजीम। हाँ सत्तार। वो विकास? हाँ, ये सत्तार का फोन है। कल तुमने एक लड़के को मारा था ना, वजीम, उसका दोस्त बोल रहा हूँ मैं, विकास। मैं फोन पर इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, सामने बात करूंगी। फातिमा का फोन आया था, वो तुमसे अकेले में मिलना चाहती है। कब, कहाँ? अभी। आज तो नहीं पॉसिबल, कभी और करना पड़ेगा। उसे मेरा नंबर देना। वजीम। हाँ ठीक है, आ जाओ। हेलो वजीम, मैं फातिमा। हाँ बोलो। बाहर आ सकते हो? मैं यहीं हूँ। ठीक है, आता हूँ। किस खुशी में यहाँ आए हो? मुझे मारने के लिए? हम वो भी कर सकते हैं, देखोगे? सुनो, अपने फ्रेंड से कहना कि जब रात को फोन पर बात करे ना तो जरा तमीज से करे। उससे कहना हिम्मत है तो दोबारा कॉल करके दिखाए। मुझे फातिमा से प्राइवेट बात करनी है। तुम्हें जो भी बात करनी है सबके सामने करो। चलो आ जाओ, बात करते हैं। क्या बोलना है बताओ? कुछ ज्यादा नहीं, विकास को ऐसे बिहेव नहीं करना था, पर उससे हो गया इसलिए सॉरी। तुम्हें कुछ कहना है? क्या? इस बार मेरी गलती तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी सॉरी बोल रहा हूं। अगर मैं चाहता तो मैं भी तुम्हारे साथ वही करता, पर दूसरा चाटा तुमने मुझे पहचानने के बाद मारा, तो अब ये तुम्हारी बारी है सॉरी बोलने की। मैं सॉरी नहीं बोलती। ठीक है, तो मत बोलो, मुझे एक रीजन दो। रीजन मैं ठीक से नहीं बता सकती। पर बता दूंगी। ठीक है, तो मेरा घर तो तुम्हें पता है, जब मन करे आ जाना। ओके, मेरा नंबर सेव कर लो। हाँ। तो अब मैं जाऊं, घर जाके सो जाऊं। ओके। बाय। सुनो दोस्तों, सब कुछ ठीक हो गया है, चलो चलते हैं, आ जाओ। सुनो, तुम्हें उस लड़के पर ध्यान रखना होगा, वो बहुत ही चालाक है। उसने मेरे बेटे के कपड़े छीन लिए थे जब दुल्हन के घर वाले हमारे घर आए थे, ये देखकर मैं तो घबरा गई थी। अम्मी, उसके लिए उसने मुझे पैसे दिए थे, उसके बाद वो दुबई भाग गया था। कुछ भी, उसके बुरे बर्ताव की वजह से ही सिनेमा हॉल बंद हो गया। बस बुरा कहना छोटी बात होगी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। बस रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? क्या अपनी माँ की गोद में छुपेगा? सच में, क्या दिमाग है उसका। उसने सड़क पर एक बेटे को उसकी माँ के ही सामने मारा।
एक बेटे को उसकी माँ के सामने मारा। हाँ बेटा, उनमें से एक अब्दुल का बेटा है और दूसरा वाला हैदर का बेटा, समझी? ओके, तो मेरा मौका बर्बाद नहीं हुआ। या इलाही आशिकी, या इलाही आशिकी, या इलाही आशिकी, है तू ही सजदा। या इलाही आशिकी, तू ही इबादत। या इलाही आशिकी, है तू ही सजदा। वजीम, क्या इसे जानते हो? हे, जानते हो क्या इसे? लगता है पहले कहीं देखा है। पता नहीं, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। जमशी, मैंने इसको कहीं देखा है। फहद, वो कहानी बताओ जिसमें अपना दांत गवा दिया था। तुम अब क्यों सुनना चाहती हो? सुनने में तो मजेदार लगती है, सुनाओ ना। लेकिन मेरे लिए इतनी मजेदार नहीं है। कोई ना, बताओ ना। ये मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। टूर्नामेंट हार के मैं घर वापस आ रहा था। अच्छा। तभी मैंने रास्ते में देखा कि बहुत सारे लोग मिलकर एक औरत को मार रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, और मुझे बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में मैं हल्क बन जाता हूँ। फिर मैंने उसकी जम के धुलाई कर दी। कहीं ये तेरी कहानी तो नहीं है? अरे, ये तुम्हारी कहानी क्या जम? क्या ये कहानी इस तरह है? कहानी की कहानी बदल चुकी है। कहानी उसके जैसी है पर अलग है। कोई बात नहीं, पूरी कहानी सुना दो। वो मैं ही था। कोई बात नहीं, कहानी सुनाओ ना। तो कहानी ऐसी है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली विकास का कोई झगड़ा हो गया, हम उसके लिए जा रहे थे। वजीम ने मुझे कहा बिल्कुल भी रुकना मत, लेकिन मैं भला रुकता क्यों नहीं। मैं क्या देखता हूँ वहाँ पर, एक बूढ़ी आंटी भीड़ में रो रही है। वो जोर जोर से बोल रही है कि वो मेरे बेटे को मार रहा है। मैंने एक लड़की को देखा जो उसके बेटे को पूरी ताकत से मार रहा है। मैं उसे जाने नहीं दे सकता था। मैं कार से उतरा और जोर से लात मारी। ओह सॉरी यार, क्या वो तुम थे? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? नहीं। वो लड़का उठा और अपनी माँ को मारने लगा। फिर तुमने उसके साथ क्या किया था? उसको हमने वजीम के लिए छोड़ दिया। तुमने क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस उसे सिखा दिया कि माता पिता की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। तो वो लेसन मेरी आंटी ने देख लिया, समझे क्या? तुम पूरे दुबई के लड़के बन गए हो वजीम, है ना? मुझे भी ऐसा लगा जब यहाँ आया। मतलब पुराना वजीम वहीं छोड़ दिया? अरे नहीं, सिर्फ लुक बदला है, अंदर से वही हूँ। सिर्फ लुक ही नहीं बदला, तुम भी। सच में? मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला इसके लिए। ओ हाँ, तुम्हें मारने का मन था। उस दिन थिएटर में मेरा भाई भी मेरे साथ था। हाँ। इसलिए तुम्हें मुक्का मारने का मन था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर सकी। अब तुम मिल गए हो तो नहीं मारा। इस दौरान कभी तुम दुबई नहीं गई? मैं वहीं था। मैं एक बार गई थी, लेकिन सिर्फ दो दिन के लिए। दो दिन के लिए? दो साल में? क्या तुम कभी यहाँ आयो? हाँ, जमशी के घर में एक हादसा हो गया था, इसलिए आया था। पापा ने कोशिश की थी मुझे ले जाने की, लेकिन वहाँ अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने मुश्किलें बढ़ा दी और मुझे यहाँ से भागना पड़ा। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने की सोची। पढ़ाई कैसी चल रही है? वो तो बेकार। तुम मेरा पीछा कर रहे थे ना लंबे वक्त से। वो तो बहुत टाइम पहले, जब मैं छोटा सा बच्चा था ना तब से। वैसे परसों मैं वापस जा रहा हूँ, तुम कब आ रही हो दुबई? वो बुला रहे हैं, मैं सोचूंगी। हाँ सोचो। हेलो। हाय सत्तार। हाँ मैं नहीं जा रही हूँ, वजीम को बता देना। पर सच में? हाँ मैं नहीं जा रही। हाँ ओके ओके। वजीम, फातिमा नहीं जा रही है, तुम्हारा क्या प्लान है? मुझे तो जाना पड़ेगा।
ए, उसने अभी कॉल करके बताने कि वो नहीं जा रही है। हाँ तो क्या, कौन है वो? जानी पहचानी लड़की, और क्या? हाँ, तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? हम भी चलते हैं। हम भी चलेंगे। ठीक है तो चलो। यार सत्तार, दूसरों को भूल जा। किस तरह का दोस्त है तू? क्या हुआ? अरे तू मुझे फोर्स क्यों नहीं कर रहा है? किस लिए? ना जाने के लिए, बेवकूफ। हाँ लेकिन तुम रुक नहीं सकते। अरे वो लोग ये सोचेंगे ना कि उसकी वजह से मैं रुक रहा हूँ। आखिर तुम जा क्यों रहे हो? क्योंकि वो नहीं जा रही। अच्छा अब समझा। अब बिना मेरे ईगो को ठेस पहुंचाए सबको बताओ कि मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना? तुम टेंशन मत लो, नहीं बताऊंगा। चल चल। राजेश, घर वापस चलो, ऐसा लगता है वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फातिमा से प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता है कि नहीं? हाँ यार वजीम, तेरा प्लान क्या है? रुक जाते हैं यार। ये तुझे शर्म नहीं आती बेवकूफ? तुझे 3-4 साल हो गए उसके पीछे भागते हुए। देर हो जाए उससे पहले अपनी दिल की बात बताते, नहीं तो उसे कोई और ले जाएगा। वैसे वो ना ही बोलेगी। ना बोलेगी? पर वो क्यों ना बोलेगी? देख चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम सीधा उसके घर जा रहे हैं। हम इस सबसे परेशान हो गए हैं। हम सीधा जाकर उसे सब कुछ बता देंगे, ना ज्यादा बताएंगे और ना कम बताएंगे। चैलेंज कर रहा है क्या? हाँ। वो चैलेंज नहीं कर रहा है, सलाह दे रहा है। मैं तो कहता हूँ जाकर उसे सब कुछ बता दो। वो कितनी बोल्ड है, तुम्हें उसको सब कुछ बताना चाहिए भाई। हाँ नहीं तो अपने आप में बड़बड़ाने का क्या फायदा? तू जानता है जब वजीम कुछ डिसाइड करता है ना तो वो क्या करता है? तो उसके दोस्त लोग उस काम को कर देते हैं। हाँ। एक काम कर, उसे कॉल कर, वो भी अभी के अभी। और बता तू नहीं जा रहा है? हाँ कर। ये ले। हेलो। हेलो। अच्छा मैं ट्रिप कैंसिल कर रहा हूँ। हाँ पर क्यों? क्योंकि मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है। हाँ तो बताओ। अरे ऐसे कैसे बताऊंगा, मैं मिलकर बताऊंगा ना। ठीक है तो तुम यहाँ आ जाओ। कहाँ पर हो तुम? मैं अभी बीच के पास हूँ, सीधे यहीं आ जाओ। तुम अकेले हो क्या? हाँ हाँ मैं। नहीं कोई जरूरत नहीं है, अपने दोस्तों को भी ले आओ, वो सब लोग भी बड़े मजेदार हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। मुझे यहीं उतार दो, मुझे कुछ लोगों से मिलना है। वो है दिलदार, वो जवान सुंदर प्यारा हीरो आशिक है दिलदार। वो है दिलदार, वो है दिलदार, वो जवान सुंदर प्यारा हीरो आशिक है दिलदार। वो है दिलदार, वो है हीरो, असली नायक है पावर उसमें। गाओ मेलेडी मेलेडी, गाओ मेलेडी, गाओ मेलेडी मेलेडी, गाओ मेलेडी। दान सरी गा सरी रे, दान सरी रे सा, दान सरी गा सरी रे, दान सरी रे सा। और मोहब्बत बिखेरते हुए सारे माहौल को जिंदा दिली और खुशनुमाई देकर वो सीधा यहाँ चला है। कौन है वो? हमारा मजनू। वो कैसे आ रहा है? घोड़े पे सवार होके। लैला वहीं खड़ी है। लैला कहाँ खड़ी है? इंद्रधनुष के ठीक नीचे जहाँ फूलों की वादियाँ हैं। खूबसूरत वादियों के बीच खड़ी वो हूर की परी मुस्कुरा रही है। सोचो क्या नजारा है भाई। दानी सरी गा, सरी रे, दानी सरी रे सा, दानी सरी गा, सरी रे, दानी सरी रे सा। तुम गए क्यों नहीं? तुमने जाना कैंसिल क्यों किया? मैं तो तुम्हें चिढ़ा रही थी। क्या थोड़ी देर तुम घूमने चलोगे मेरे साथ? हाँ चल सकते। आ ये मेरे सपनों की रानी, ये मेरे दिल को चुराए, उसने दीवाना बनाए, दिल को पागल ये बनाए। ये है सावन, प्यार का सावन, मैं हूँ इसका, ये है मेरी सजनी। दिल में अपना हारा, मैं इश्क का हूँ मारा। ये है मेरी जाने मन, ये है मेरे दिल की धड़कन। गाओ मेलेडी मेलेडी, गाओ मेलेडी।
हमारे हीरो और हीरोइन के बीच एक रेस शुरू हो चुकी है। सारे मुश्किल हालात और परेशानियों को एक अच्छे अंजाम तक पहुंचाना है। हमारा हीरो कौन है पता है? उन्मादी वजीम। और हीरोइन कौन है? भूर की परी फातिमा। ऑन योर मार्क गेट सेट ईगो। अरे कहाँ चले? हम तो यहीं हैं। तो बताओ आशिकों के बीच क्या नहीं होना चाहिए, बोलो। गमा गमा गरिमा गमा गरिमा। तो क्या गाना चाहिए, बोलो। प्रेम भी हो तुम प्यार भी तुम हो सनम, इश्क हो तुम बंदगी तुम मेरे सनम, मेरा रब हो तुम अगम अपदानी प्रेम करूं मेरे हृदय में तुम ही हो बसी। प्रेम है रसधार दो दिलों की, दिल की है ये लगी तेरे ये कोमल छपल खबल नयन, तेरी ओ ये मुझे खींचे कोमल छपल खबल नयन, तेरी ओ ये मुझे खींचे तेरे मेरे प्यार का सावन देखो आए। मेलेडी मेलेडी गाओ मेलेडी गाओ मेलेडी मेलेडी गाओ मेलेडी अच्छा फातिमा एक बात पूछूं क्या? तुम मुझे इंडिया में रखने के लिए शादी के लिए हाँ कह रही हो? सिर्फ यही नहीं, तुम अच्छे हो और तुम्हारी आदतें भी अच्छी हैं, सोचा एक बार ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा तो शादी के बाद क्या करना है? मुझे उस बारे में नहीं पता। अरे ऐसे नहीं, मतलब शादी के बाद यहाँ रहना है कि वहाँ वापस जाना है? मेरी जान वजीम, क्या हम अभी यहाँ नहीं है? महसूस करो, पास आओ जरा, मुझे तुम्हें किस करना है, पास आओ ना। हाँ, अच्छा। हम सिर्फ मुक्का नहीं मारते, कभी कभी हम मुक्का खाते भी हैं। मुक्का वही मार सकता है जो मुक्का खाने की हिम्मत रखे। कुछ मुक्का मारने के लिए होते हैं और कुछ खाने के लिए, पर इस लड़ाई में देखना पड़ेगा कि अंत में क्या होता है। चलो देखते हैं। हेलो, मैं याद हूँ? हाँ हेलो, क्या हाल है? मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आया था अपनी वाइफ के साथ। ये कौन है, नाम क्या है? सफी। इनका साला हूँ। ये मेरा करीबी दोस्त है। अच्छा, इनको बता दो जो भी आपको चाहिए। मैं ये भी मेरा अच्छा दोस्त है। ये तो छोटी सी शॉपिंग है, यहाँ कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता, ये मेरे अपने लोग हैं जी। ओके सर, देखो इन्हें क्या चाहिए। ओके वजीम, मैं आता हूँ, तुम इनसे बात करो। आइए। सॉरी यार, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, जो हुआ मैं भूल जाऊंगा। मुझे दिक्कत हो जाती अगर तुम केस करते। मैं अब सब इंस्पेक्टर बन गया हूँ, मेरी पोस्टिंग भी हुई है। अच्छा, यही पास के शहर में, एक महीने के बाद ज्वाइन करने वाला हूं मैं। पार्टी में इनवाइट करूंगा तुम्हें। कौन सी पार्टी? अपने दोस्तों को भी साथ लेना, मजा करेंगे। अरे इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा समझ लो कि हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। ये मेरे मन की शांति के लिए है। अरे ऐसा नहीं, मेरी शादी होने वाली है। क्या शादी कर रहे हो? अरे बहुत बढ़िया, कांग्रेट्स। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है ना इन सब चीजों से दूर रहने का। हाँ ये सही है। अच्छा कब है शादी? इसी महीने 21 को। वजीम चलता हूँ। हाँ थैंक्स भाई। वेलकम, हो गई शॉपिंग? हाँ और सुनिए, एक दिन पहले आ जाना, भूलना नहीं। बिल्कुल आऊंगा यार, धमाल करेंगे हम। अगर आप ऑडिटोरियम में आ रहे हैं तो अपना इनविटेशन ले जाना मत भूलना। अरे बिल्कुल नहीं भाई, वरना हमें दूल्हे को तंग करना पड़ेगा गेट तक लाने में।
व्हाट्सएप पे इनविटेशन मिल गया था। ये लो मेरी तरफ से है, आपको ये सब व्हाट्सएप ऐप पर नहीं मिलेगा। अरे ठीक है, लेकिन अपनों से क्या फॉर्मेलिटी। वजीम वेड्स फातिमा, कंग्रेट्स, शादी में आ जाना। बिल्कुल। बेवकूफ, तुझे किसने कहा था उसको शादी में बुलाने के लिए? कार्ड देने के बाद बोला सीरियसली मत लेना। अरे अच्छा आदमी है, वो शादी में नहीं आएगा, देख। उसके बारे में हम सब जानते हैं, वो जरूर आएगा। मुझे वो पसंद नहीं है, अगर वो शादी में आया ना तो मैं अपना आपा खो बैठूंगा। मैं भी और हाँ। मैं भी। सुनो, उन्होंने सिर्फ तुम्हें फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया होगा, शर्म की बात होगी अगर तुम वहां गए भी तो। अगर ये जाते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और नहीं भी गए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? कार्ड का डिजाइन अच्छा है। हाँ, बुरा नहीं है। राजवीर, तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे इस बात को लेकर? वो अच्छा आदमी है और उसको मेरे साथ बहुत ही मजा आएगा। अच्छा हाँ, वहां का माहौल अच्छा हुआ ना तो शादी के बाद भी रुकेंगे। तुम लोग मत आओ, मैं अकेला ही जाता हूँ, इतने सारे लोगों का जाना ठीक नहीं होगा। ना तुम अकेले जा रहे हो और ना हम सबको लेकर, समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया है। डेविड, लॉरेंस डेविड। हाथों में तेरे रचा है मेहंदी मेरे नाम की, तेरे संग जुड़ी है मेरी ये जिंदगी। देखो रे। हेलो हेलो वजीम, मैं राजवीर बोल रहा हूँ। हाँ? हम लोग चौराहे तक पहुँच चुके हैं। हाँ। अच्छा बताओ, यहाँ से राइट जाना है या लेफ्ट में जाना है, मुझे पता नहीं चल रहा है, क्या तुम लोकेशन भेज सकते हो? वजीम। हाँ, मैं व्हाट्सएप पर लोकेशन शेयर करता हूँ, ठीक है? ओके, बाय बाय। बाय बाय। सुमी, ये सब काम ठीक से हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, क्या इसको निकाल सकते हैं? क्या? अरे ये मास्क मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं? 10 मिनट के लिए और रहने दो, तो फिर बाद में लगाएंगे। नहीं, लेप खत्म हो चुका है, इसे निकालने की जरूरत नहीं है। बस इतना काफी है, मेरा दोस्त आ रहा है इसलिए। सच में? मालू, हटो यहाँ से। कंपनी के कुछ दोस्त आ रहे हैं। तुम इसे रास्ता बताओ ना, इसे शेयर करो लोकेशन। हाँ ओके, कितने लोग आ रहे हैं? एक ही आ रहा है। ठीक है, या शायद 4-5 लोग भी हो सकते। हेलो, आ रहा हूँ। अरे सब कुछ फोन पे ही बता दूँ, आ रहा हूँ। ये वजीम का साला है। हेलो राजवीर, वेलकम। आइए आइए। सही कहा आपने। क्या हाल है भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हैं? ये कौन है? ये है डेविड। हेलो। हाय। और ये है राजन। हाय। आप एक काम करो, गाड़ी पीछे से घुमा के बाहर लगा। हम इसका नाम पब्लिक में नहीं ले सकते। पीछे। हाँ हेलो। जहीर, सामान उतार कर सारा सामान पीछे रखवा दो। ये वजीम के दोस्त है और ये सब के सब इनके दोस्त है। वजीम के पापा। नमस्कार अंकल। अच्छा वजीम नजर नहीं आ रहा है? वो उसने चेहरे पर लेप लगाया ना, उसे धोने गया, इनका ध्यान रखने मुझे भेजा। हाँ अच्छा, ये शफी आप लोगों का ख्याल रखेगा। अरे हमारा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ सबका ख्याल रखने आए हैं। गाड़ी के लिए पार्किंग कहाँ है? पार्किंग हमारी पार्किंग बेटा उस तरफ है। अंकल जी, अगर ये लाइट्स हम लोग यहाँ तक कर लेना तो बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी और यहाँ से निकलने में गाड़ियों को आसानी भी हो जाएगी। सही कहा। ठीक से उठाओ। सुनो, लोगों को काम पर लगा दो। दूसरों को क्यों बोलना अंकल, अरे हम खुद कर सकते हैं ना। हाँ कर लेते हैं। चलो 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 वहाँ से। शफी, अगर ये लोग कल ही आ जाते तो बेहतर होता। हाँ सही कहा। 70, सबको लेके ऊपर आ जा, राजवीर आ गया है और वो अकेला नहीं है। सजावट तो अच्छी है। उन्हें मुझे पैसे देने चाहिए क्यों? सही कहा। बढ़िया आ गया। मतलब इनविटेशन में रूट तो था? अरे वो तो ऑडिटोरियम तक था ना, तुम्हारे घर तक थोड़ी था। अच्छा हाँ। वाजिम कैसा है तू? हाँ आओ ना अंदर आओ। तुम परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं अरे शादी की वजह से टेंशन मत लो। अरे नहीं नहीं, हम आ गए ना अभी। मालू, मैं ये ले जाकर उन्हें दे देती हूँ, तुम गैस पे चढ़ी चीजों का अच्छे से ध्यान रखना। अरे वो जलेबी लो ना, लड्डू। अरे डेविड को मत दो, उसे डायबिटीज है। मैं आपके लिए स्पेशल चीज लाई हूँ। हाँ, ये अम्मी जान का स्पेशल है, बहुत टेस्टी है, खा के देखो। ये क्या है?
और स्पेशल क्या? आगे बढ़ाओ। ये भी स्पेशल है। अरे आंटी एकदम मस्त है। थैंक यू बेटा। और लाना। अरे इसमें तेल। अरे मैंने सिर्फ इतना ही बनाया था। अरे हल्ला बंद करो। अरे लिश बनाया है, मजा आ गया। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उनके साथ कैसे बर्ताव करना है। डोंट वरी बॉयज, मैं ध्यान रख लूंगा, मेरे पीछे आओ बस। ओहो आप लोग कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। क्या हाल है आपका? पूरा गैंग यहाँ नहीं है? अरे तुम लोग कुछ तो तमीज दिखाओ, कपड़ों में नहीं बातों में भी। अभी पार्किंग की समस्या भी इन्होंने हल की है। ये क्या, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? क्या हम बेवकूफ हैं जो बाहर जाकर ये कहेंगे? आप देखो। अरे आओ ना, खाना इंतजार कर रहा है। ये लोग कैसे बैठ सकते हैं? ये फैमिली मेंबर हैं, इन्हें बहुत काम करना है अभी। अरे अब तो हम भी फैमिली है। ध्यान दो सत्तार। हाँ। जब तक आप सब लोग यहाँ पर हैं, मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। वैसे भी मेरे इकलौते जीजा की शादी है। हाँ, सही कहा, तुम्हें सब बात का ख्याल रखना है ना। मैं चलता हूँ। बैठ जाओ भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अब बैठ भी जाओ। हाँ। सुनो, हम सब लोग ऊपर जा रहे हैं कमरे की सजावट के लिए। हाँ, हाँ, जाके हो ना। हम बाद में मिलते। ओके चलो। हाँ। अरे तू बैठ बैठ, इनको कंपनी दे। हाँ। जमशी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है यार? हम उनको खाना खिलाएंगे और फिर वहां से चले जाएंगे, समझे तुम? उसके बाद ये वेन्यू हमारा, समझे? जल्दी उन बेवकूफों से पीछा छुड़वाओ। दो दिन के लिए तो उनसे पीछा छुड़वा ही दूंगा और मारूंगा भी, एक बार ये शादी खत्म हो जाए। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, पहले इनका तमाशा तो देख ले। देखते हैं क्या ड्रामा करते हैं। सत्तार एक बात और जान लो, ये बात हम लोगों के बीच की है, तू जाके वसीम को मत बता देना, उसको शादी करने दे। सुनो पहले उसे दुबई जाने दो, उसके बाद हम देख लेंगे। मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक इन पागलों को इनके किए का जवाब न दूं। ये हुई ना बात, तू है सच्चा दोस्त। अरे वो वसीम आ रहा है, सब चुप रहना। बिल्कुल। हाँ। वो यहाँ हमें परेशान करने नहीं आए हैं। तो फिर वो हमें यहाँ परेशान ही करने आए हैं। हाँ तो बताओ क्या करना है, हम वो कर देते हैं बस। हमारे प्यारे वसीम, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस दूल्हे बने रहो, बाकी हम सब देख लेंगे। तू आराम कर, चिंता मत कर। चलो। आया है राजा दूल्हा, यार मेरा बना दूल्हा, यारो मनाओ खुशियाँ मिलके, आओ मनाओ यारो खुशियाँ, आज तो आओ सब यारो मनाओ खुशियाँ मिलके, आओ मनाओ यारो खुशियाँ, आज तो आओ। अच्छा क्या हम लोग आपको भाई बुला सकते हैं? आपने इनके नाम नहीं बताया। हूँ, मैं भूल गया। ये बीजू, ये डेविड, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो डेविड को बुला, वो आ जाए। ये राजन। हाँ। और वो उधर दानिश। मैं भी इसका नाम कम ही सुनता हूँ। मेरा नाम है जमशी, उसका नाम है राजेश। ये विकास है। अरे पहले जो कुछ हुआ उसे भूल भी जाओ ना यार। काश हम भूल सकते थे। जब हम मिले थे वो सही वक्त नहीं था एक दूसरे को जानने का। खुशी का मौका, झूमो यारो सारे मिलके, राजा है दूल्हा रे, आया है राजा दूल्हा, यार मेरा बना दूल्हा, यारो मनाओ खुशियाँ मिलके, आओ मनाओ यारो खुशियाँ, आज तो आओ सब मिलके, राजा है अपना दूल्हा रे। आए हैं शादी के पलिए, बड़े हैं सुहाने पलिए, आया है अपना दूल्हा राजा, सपनों का आया राजा, दुल्हन भी कितनी सुंदर, सबका खुशी से झूमे दिल, देखो आया खुशी का मौका, झूमो यार सारे मिलके, आया है राजा दूल्हा, यार मेरा बना दूल्हा, यारो मनाओ खुशियाँ मिलके, आओ मनाओ यारो खुशियाँ, आज तो आओ सब मिलके, सजा है अपना दूल्हा रे, यारो मनाओ खुशियाँ मिलके, आओ मनाओ यारो खुशियाँ, आज तो आओ सब मिलके, सजा है अपना दूल्हा रे, देखो ये है अपना दूल्हा, 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 देखो ये है अपना दूल्हा। सुनो मेरे अंकल ऐसी एक विंटेज कार ढूंढ रहे थे, वो राजेश है ना?
जिसकी दाढ़ी है वह ऐसी ही गाड़ियों का काम करता है। हम उससे पूछ सकते हैं। उनसे पूछना क्या यहाँ से निकले, हमने बहुत समय बिता दिया यहाँ पर। यहाँ का माहौल अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर रुक जाते हैं ना। वो सब अच्छे लोग हैं, अब तो अच्छी दोस्ती भी हो गई है। ये लोग अच्छे हैं इसीलिए नहीं कि ये लोग हमें पसंद नहीं करते, वो वाकई बहुत अच्छे लोग हैं। क्या हम लोग अच्छे नहीं है? ये बात सच है कि गलती हो गई हमसे, और उन्हें ये बात पता है अभी कि हमें पछतावा है। राजवीर, जब हमसे दोस्ती करने की बात आई तो उन्होंने पूरी डिटेल हमसे ली, और हाँ, वो जमसी हमें अच्छा नहीं समझता है। तुम पुलिस वालों की तरह क्यों सोच रहे हो? सचमुच पुलिस वाले अगर नहीं सोचते हैं तो पुलिस वाले की तरह मुझे सोचना पड़ता है। सुनो, एक काम करते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। कोई जगह देख लेते हैं रुकने की, कल शादी में शामिल होंगे, खाएंगे पिएंगे, फोटो खिंचवा के फिर निकल जाएंगे। क्यों, आइडिया कैसा है? ए डेविड, इन्हें भी कभी हमारी जरूरत पड़ेगी तब ये लोग हमसे मदद ले सकते हैं। मुझे बस यही चाहिए, मेरे मन की शांति के लिए। उसके अलावा ये लोग अच्छे ही हैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन की बात नहीं है, मदद के लिए तो हमें आगे आना ही पड़ेगा भाई। कुछ तो जरूर होगा, चलो होटल चलकर ड्रिंक करते हैं। कार की डिक्की में रखिए। हाँ रखिए। चलो फिर। क्या हमें उन्हें भी बुलाना चाहिए? ये भी पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों के पास कोई प्लान है क्या? अबे तू इतना घबरा क्यों रहा है? हम कोई पागल नहीं है जो तुम्हारी शादी खराब करेंगे। वजीम, हम उनसे बहुत चिढ़े हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन बना सकते हैं। चलो नीचे चलो। हाँ, चलो, चलो बाय। धमाल मचाओ। ओ सुहानी घड़िया शादी की आई, ओ खुशियाँ है लाई, बहारे है आई, ओ मेरा यार बना दूल्हा बारात है आई, ओ मेरा यार बना दूल्हा बारात है आई, ओ दिनक दिनक दिनक, 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 ओ पर बर 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 पर। झूमे रे दिल, शादी है दोस्त की, थाम लो रे दिल, दुल्हन है सुंदरी। झूमे रे दिल, शादी है दोस्त की, थाम लो रे दिल, दुल्हन है सुंदरी। मौका है शादी का, दिन है ये जश्न का, यार की शादी में हर कोई झूम रहा। बल्ले 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 अरे वजीम उठो ना। वजीम उठ जा। अरे आज शादी है तुम्हारी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे उठो उठ जा। अरे कम ऑन यार, जल्दी करो, शादी का वक्त हो रहा है। ये लो। नहीं ठीक है। अरे वजीम ने कॉफी पीनी छोड़ दी। तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ हैं? आ जाएंगे। राजवीर, ये कमरा उतना अच्छा नहीं सजा है, थोड़े गुलाब के फूल होने चाहिए। राजन, अरे अपने भाई की शादी है, रोमांस भर दो। वेजू, चल लेकर आते हैं। राजेश, इन लोगों ने कैसा कमरा सजाया है। अरे बिना गुलाब के फूल के दूल्हा दुल्हन का कमरा कैसा। अरे वहाँ भी देखना। अरे तुम अभी तक देख ही रहे हो? अरे जल्दी करो। अरे शादी करनी है या नहीं फातिमा से? चलो जल्दी करो। अरे भाई का शर्ट किधर है? जाओ शर्ट और पैंट लेकर आओ। तुम कोट लेकर आयो? एक बार इधर देखो, मुझे देखने दो। क्या हुआ? अरे ये वॉच पहनने वाले हो तुम? डेविड वो वाला वॉच देना, वो एकदम सुपर क्लास है। ब्लैक सूट के साथ ब्लैक घड़ी अच्छी नहीं दिखेगी। ये लो अपनी सस्ती वाली घड़ी, ये देखो, ये बढ़िया है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। क्या जबरदस्ती है। इसे कहते हैं बढ़िया मैच। हेलो, ये सब क्या है? तुम लोगों को बहुत देर से बाहर बुला रहे हैं, जल्दी करो। अरे आ रहे हैं। अरे जल्दी करो ना भाई। अरे ये तो बोलते ही रहेंगे, चलो जल्दी से फोटो ले लेते हैं। चलो 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 चलो। आजा अरे आजा। सब इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम लोग तो दूल्हे से ज्यादा शर्मीले हो। हाँ चलो, स्माइल।
जरा साइड में हो जाइए। हाँ बिजू एक मिनट जहीर, सबको बैठने के लिए बोलो, देर हो रही है भाई। अरे इधर आ जाओ। अरे उसको बोला, अरे उसकी बात कर रहा हूँ, बोला उसको ले जाओ। संभालना, मैंने बोला था उसको पहले ही गाड़ी चेक करने को। गाड़ी को भी अभी खराब होना था। कोई जरूरत नहीं है दूसरी गाड़ी की, पता जो गाड़ी है उसी में बैठ जाओ, देर हो रही है। चल दूसरी गाड़ी रहने दो, चलो तुम बाहर रहो। हां चलो ना, हां हां चलो, हम अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। सब गाड़ी में जाओ और आप लोग इस गाड़ी में बैठ जाओ। आ जाओ, अगर किसी को बैठना है तो हमारी गाड़ी में जगह है। जल्दी चलो, देर हो रही है। अरे हाँ हाँ हाँ, बैठो बैठो। अरे अरे बैठो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ। अरे आ जाओ, क्या कर रहे हो तुम? अरे इधर क्यों खड़े हो? आ जाओ, मुझे गाड़ी चेक करने के लिए बोला था ना यार, तूने चेक क्यों नहीं किया? आ जाओ, चलो चलो निकलते हैं। आ जाओ भी, चलो चलो, आ जा ना डेविड, तुम गाड़ी के पीछे आना। ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो बैठो। बिजू सारे आ गए ना, बिजू अंदर आ जाओ। क्या कर रहे हो? बैठो ना, आ रहा हूं यार। आ जाओ आ जाओ, अंदर आराम से। बहुत देर हो गई, आराम से हो जाएगा। चलो भाई चलो, है जगह, चल। हां चलो अभी, चलो 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 चल 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 चलो। अरे आगे चल के बड़ी कार ले लेंगे ना यार। अरे चिंता मत करो, हम आराम से पहुंच जाएंगे। अरे दानिश तुम कैसे आओगे? हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, तुम लोग आगे चलो। अरे तुझे बोला था ना मैंने पहले ही कि तू गाड़ी ठीक से चेक करके भेजना। ड्राइवर होके इतना भी नहीं जानता? लोकेशन भेज अपनी, मैं बोल रहा हूँ अपनी लोकेशन भेज। अरे आराम करो यार, गाड़ी पहुंच जाएगी वहां पे। देखो मैं, किसी शुभ काम से जाते हैं ना तो हमें खुश रहना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक से बैठ जाओ। मैं तो ठीक हूँ, अगर ये थोड़ा खिसक जाएगा ना तो मैं आराम से बैठ जाऊंगा। क्या कुछ जगह बनाओ राजेश भाई, आ जाओ आराम से बैठ जाओ। टेंशन मत लो, जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं हमारे पास जगह है, आराम से बैठ जाओ, बैठो। बस हो गया। तुम्हारे रीति रिवाज कैसे होते हैं? हमारी तरह बोरिंग तो नहीं होता है? कुछ खास नहीं, वहाँ पहुँचेंगे तो देख लेना, थोड़ी बहुत बातचीत होती है और बात खत्म। अच्छा सब लोग बात करते हैं? इनके में क्या होता है कि पहले ही माम कुछ कहते हैं। वैसे ये लोग शादी में कहते क्या हैं? वही रोजमर्रा की बातें होती। शादी के फोटो सेशन ने मुझे सबसे ज्यादा बोर किया था, अरे मेरे गाल दुख रहे थे 2-3 घंटे मुस्कुरा कर। आज भी अपनी शादी का एल्बम देख कर मुझे दुख होता है। यार राजन तुम्हें याद है क्या, मैंने एक मेक भी नहीं पिया था क्योंकि मैं बहुत नाराज था। और क्या उस दिन को भूल सकते हैं? अभी नहीं पहुंचे, रास्ते में है। किसका फोन था? लड़की वालों का फोन था। अच्छा मुझे दर्द हो रहा है। क्या तुमको भी दर्द होता है कमीनो? तुमने मुझे गाली दी। अरे शांत हो जाओ, हमसे गाड़ी रोकनी चाहिए। नहीं रोकना मत, देखो कितने मजे से जा रहे हैं। तू भी उसमें चला जाता, तू भी कर लेता मजे उनके साथ। राजेश चुपचाप क्या कर रहा है? अरे अरे गाड़ी हिल रही है। अरे क्या कर रहे हो यार, सब बर्बाद हो जाएगा। अरे बात तो ठीक होगा। अरे मारे मारे क्यों कर रहे हो आपस में? शांत हो जाओ। अरे छोड़ना उसे, छोड़ो उसे, छोड़ दे। राजा सुनो मेरी बात, सुनो उसे, छोड़ दो, बात सुनो यार, छोड़ दो उसे। छोड़ना लो उसे, रुक जाओ, सबको पता चल जाएगा। बिजू मेरी बात सुनो, बिजू छोड़ना बिजू, बहुत हो गया। ऑडिटोरियम में पहुंच गए। अरे बंद करो यार, अरे बंद करो। और सब लोग जरा तमीज से रहना। ओ आइए आइए, चलिए पापा से मिलते हैं, आइए। खुशामदी, मरहबा, मुबारक हो, मुबारक हो। गड़बड़ है क्या? नहीं। राजवीर आ जाओ, तुम वहां पर किसका इंतजार कर रहे हो? आ जाओ।
तुम लोगों ने गाड़ी में गाने चला रखे थे क्या? है? जाते समय मैं भी चलूंगा। आई शादी के पलिए बड़े सुहाने हैं पलिए, आया है दुल्हा राजा, सपनों का आया राजा। दुल्हन भी कितनी सुंदर, सब खुश है झूमे रे दिल, सब खुश है झूमे रे दिल। हे आई शादी के पलिए बड़े सुहाने हैं पलिए, आया है दुल्हा राजा, सपनों का आया राजा। दुल्हन भी कितनी सुंदर, सब खुश है झूमे रे दिल, सब खुश है झूमे रे दिल। वजीम, आया है राजा दूल्हा यार मेरा बना दूल्हा, आया है राजा दूल्हा यार मेरा बना दूल्हा। यार बनाओ सब खुशियाँ, आओ बनाओ यारो जश्न, यार बनाओ सब खुशियाँ, आओ बनाओ यारो जश्न। आज तुमका वो सब मिल सजाए सुंदर दूल्हा ये, आज तुमका वो सब मिल सजाए सुंदर दूल्हा ये। आया है राजा दूल्हा यार मेरा बना दूल्हा। परेशान ना हो, ये अफरा तफरी बंद करो। ठीक है मैं देखता हूँ। जल्दी करो। मैं देखता हूँ। सुनो, आखिर ये मामला क्या है? अरे मैंने कहा रुक जाओ और वसीम को जाकर रुको, जल्दी जाओ।
तुम चलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। डेविड, हट जाओ सारे यहाँ से। वज़ीम, 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 रुक जाओ यार। अब जाके मेरी भड़ास निकली। थैंक यू यार। तुम्हारी ताकत खत्म हो गई? हाँ लगभग। मेरी अभी नहीं हुई। तो चलो फिर भिड़ जाते हैं यार। हाँ, तुम्हें मारकर यह खत्म नहीं होगा। फिर किसे मारना चाहते हो? ये मारने के बारे में नहीं है, ये थोड़ा अलग है। हम हर तरह के मामले देखते हैं, बताओ मुझे। दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट है। उसके मन में क्या है? सतार, इन सबको सच बताना। मैंने उसको बधाई दी और उसने मुझे थैंक यू कहा, पर उसका थैंक यू मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। हाँ बस बस इतना ही काफी है। वहां चलकर बाकी बात पता करते हैं। कहाँ है वो? दुबई। बहुत पास है यार। चलो कोई बात नहीं, हम जाएंगे। चलो दुबई जाते हैं। रेडी नहीं है। पर क्यों? दुल्हन तैयार नहीं होगी जब तक दूल्हा तैयार नहीं होगा। मैडम दूल्हा तैयार है, आप कहें तो मैं एक बार देखूं। दूल्हे को सीधा खुद आकर बताने दो। अब तुम जाओ, वक्त मत बर्बाद करो, जाओ। जमशेद। हाँ, ये उसका बाप है क्या? दिखने में अरब तो नहीं है। आज तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं।
वाजिम, इतनान, तलाटा, हरबा, हमजा और तुम्हारा राजवीर। इतनी क्या जल्दी? भाई देव, इसका नाम क्या है? रेजी भाई। हाँ। चार। ये कैसा नाम है? ये गया काम से। अरे रुको मेरी जान, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। हबीबी, हबीबी। बाहर में जाइए गांव। अरे रुको ना, प्लीज रुको। मेरा पीछा मत करो तुम। अरे जिस दिन से दुनिया बनी तब से लड़ते सवाए, किसमें ताकत कितनी है वो दम दिखाने आए। एक से बढ़ के एक योद्धा, हार कोई ना माने, कोई भी ना जाने ये अंजाम क्या होगा आगे। शोला शोला शोला, शोला शोला शोला, शोला शोला शोला, शोला शोला शोला। Shola shola shola, ah ah ah, shola shola shola, shola shola shola. जिसको मौका जब मिला बार जोरों से किया, जीत उसी को मिले जो बाजी चाकी लगाए। आखिरी दम तक जो लड़े भी जीता वो कहलाए। छिड़ी है जंग लड़कों में आज तो जोरों से। ये तो है जाबाज खिलाड़ी, खतरों से ये खेले, जान लुटाए यारों पे ये दुश्मन की जान ले। दिल में इसके खौफ न कोई, जान हथेली पे रखे, मौत से भी ये डरता न, सौ पे भारे गए। शोला शोला शोला, शोला शोला शोला, शोला शोला शोला, शोला शोला शोला।